आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। वैसे तो देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया में एक अपना अलग ही पहचान बनाया हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो माइक्रोसॉफ्ट है वो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारा काम किया हुआ है। लेकिन जिसमें हम लोग एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे, एमएस वर्ड क्या है। तो देखिए, जो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट है वो हमको माइक्रोसॉफ्ट है जिसका स्थापना है 1983 ईस्वी में हुआ। बिल गेट्स है खुद के इसको जो स्थापना खुद किए हुए थे, खुद इसका जो इतना है ना डेवलप्ड किए हुए थे, और जिसमें ये देते हैं एमएस वर्ड देते हैं, एक्सेल देते हैं, पावर पॉइंट देते हैं, उसके बाद पब्लिशर देते हैं और कई प्रकार के सॉफ्टवेयर देते हैं काम करने के लिए। इन्होंने जो ऑफिस में जो वर्क होता था उनको आसान बनाने के लिए ये सब बनाए हुए थे, जिसका स्थापना कब हुआ था 1983 ईस्वी में। किसने किया हुआ था तो बिल गेट्स किया हुआ था। और देखिए, इन्होंने जो बनाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो हर चीज़ जो पहली बार बनता है वो कुछ ना कुछ अधूरा ही रहता है, और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, जिसे ही वर्जन कहते हैं। जो अपडेट होता रहता है उसको क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वैसे तो कितना बनाया गया, लेकिन मेन रूप से जो आ गया वो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 था, फिर 2007 था, 2010, 2013, 16 और 2019 और 2021। अब देखा जाए कौन सा अच्छा होगा। पहले तो हम देखेंगे कि एमएस ऑफिस कौन सा इंस्टॉल करें, कौन सा एमएस ऑफिस है जो अच्छा होगा कंप्यूटर के लिए। तो वास्तविक बात है, जो चेंज हुआ है तो जितना जो चेंज होगा, वर्जन चेंज होगा, तो कुछ ना कुछ उसमें नया बदलाव होगा। जैसे 2003 था तो उसमें जो कमियां लगा 2007 में आ गया, फिर उसमें जो कमियां लगा 2010 में आ गया, इसी प्रकार 2013 में आ गया, इसमें भी जो खामियां रहा। लेकिन ये जो आया है लेटेस्ट, ये सभी कंप्यूटर में नहीं चलता है। जो हमारा पुराना कंप्यूटर है और जिसके पास स्टोरेज कम है, जो कम क्वालिटी के कंप्यूटर है, उसमें नहीं चलता है। लेकिन 2007 जो है, जो लगभग जितना भी कंप्यूटर है, जो ऐसा बोला जाए कि जो मारा से मारा अगर कंप्यूटर है ना, उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एक अच्छा तरीका से चलेगा। तो आप वैसे कंप्यूटर के हिसाब से चलाइए, आपके पास कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा लैपटॉप है, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया के हिसाब से चलाइए, उसके बेस्ट से वो अच्छा होगा। अब देखिए, जो एमएस है ना, एमएस ऑफिस कौन सा इंस्टॉल करें, तो हम बता दिए जो कौन सा इंस्टॉल कीजिए। वैसे 2021 कीजिएगा तो और अच्छी बात है, 2019 कीजिएगा तो उससे थोड़ी अच्छी बात है, तो इस प्रकार से हो गया। लेकिन 2007 है वो जितना भी कंप्यूटर है सभी में आसान से चलेगा। देखिए, इसका विशेषता क्या है, क्यों इसको इंस्टॉल किया जाता है, इसका क्या क्राइटेरिया है, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्यों उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप बुक यदि किताब बनाते हैं तो वहाँ भी कंप्यूटर में जो अगर टाइपिंग करके बनाते हैं तो वहाँ भी इसका उपयोग होता है। दूसरा, किसी प्रकार के लेटर लिखते हैं तो लेटर जो लिखते हैं तो वहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग किया जाता है। मैथ टाइपिंग करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग किया जाता है। तो जितना भी टाइपिंग जो कागज़ वर्क होता है वो सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही होता है, एमएस वर्ड में। उसका देखिए, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम तेज कैसे बनेंगे, सबसे पहला ये प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तेज कैसे। तो तेज बनने के लिए सबसे पहले तो सबसे जितना ऑप्शन है सारे के सारे ऑप्शन के बारे में आपको जानना होगा। दूसरा है कि उसके बारे में जितना शॉर्टकट बटन है उसको भी आपको जानना होगा, याद करना होगा, रिविजन में लाना होगा। तीसरा, जो कोडिंग होता है, जैसे यदि आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो उसमें कोडिंग आता है, तो इस प्रकार के कोडिंग भी आपको आना चाहिए। और जितना उसमें टिप्स और ट्रिक है, जो ऑप्शन एक आता है, ऑप्शन सेटिंग आता है, तो उसमें जाके आप यदि उसका जितना जो ट्रिक है वो सारा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंपनी है और ये एक बहुत बड़ा कंपनी है, कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका अपना कुछ अलग ही योगदान है। और देखिए, यदि आप विंडोज़ प्लस आर, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट करने के लिए तो कई तरीका है, लेकिन यदि आप विंडोज़ प्लस आर प्रेस करते, क्या चीज़ प्रेस करते हैं, विंडोज़ प्लस आर, तो जब आप विंडोज़ प्लस आर जो प्रेस करते हैं तो उसके बाद क्या होता है,
और उसमें जब विन वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विन वर्ड। जब आप विंडोज प्लस आर प्रेस करके विन वर्ड लिखते हैं और इंटर करते हैं तो आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल के आ जाता है। आने के बाद देखिए ये है जो मिनिमाइज बटन है, कौन सा बटन है, मिनिमाइज बटन है। और ये हो गया जो मैक्सिमाइज बटन हो गया, कौन बटन हो गया, मैक्सिमाइज। और ये हो गया जो क्लोज बटन हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे हो गया ये, इसको कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं, टाइटल बार। जिस टाइटल, जिस नाम से आप सेव कीजिएगा वही टाइटल इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो ये है, जो ये है मेनू टैब या टैब बार, इसको मेनू टैब या टैब बार कहते हैं। और जब ये आ गया यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रिबन मेनू। क्या कहते हैं, रिबन मेनू कहते हैं। ये जो है ऊपर नीचे करने वाला, इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। और उसके बाद एक यहाँ पे आ जाएगा, इसको कहेंगे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ठीक। और यहाँ पे हो गया स्लाइड, जूम स्लाइड। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये पेज व्यूअर है, यह जो पेज व्यूअर है। और इसके बाद क्या, तो इसके बाद अब ये है, इसको कहते हैं रूलर्स एरिया। ये है जो क्या कहते हैं, रूलर्स एरिया। और इसमें जो काम करेंगे इसको क्या बोलेंगे, वर्क एरिया। और देखिए यहाँ है जो कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार है, इसका काम क्या है, तो इसका काम है यदि आप शॉर्टकट किसी भी काम को जो कर रहे हैं और उसको शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार से ये शॉर्टकट करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे ये है हेल्प ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, ये हेल्प ऑप्शन है। बाय द वे आप अगर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गया, तो प्रॉब्लम आ गया तो उसका तो सोल्यूशन कीजिएगा। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो हेल्प ऑप्शन पे जाके उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद है जो उसके बारे में उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए तो हम लोग फिर से देखते हैं जो किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन किया जाता है। तो इसके लिए विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे विन वर्ड लिखेंगे और लिखने के बाद हम लोग इंटर कर देंगे। तो इंटर करने के बाद हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो ओपन हो जाएगा। और देखिए ओपन होने का ये जो पॉइंट जो ब्लिंक कर रहा है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको इनसेंसर पॉइंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनसेंसर पॉइंटर। और ये है जो माउस का है कर्सर, ये है जो माउस का कर्सर है ये, ठीक। ये जो चल रहा है ये माउस का कर्सर हो गया। आप री स्टोर करना, ये बड़ा है तो यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट में करने के लिए हो जाएगा अल्ट स्पेस आर, अल्ट स्पेस आर से री स्टोर, अल्ट स्पेस आर से क्या हो जाएगा, री स्टोर छोटा हो जाएगा। फिर मैक्सिमाइज करना है इसको, तो अल्ट स्पेस उसके बाद एक्स से मैक्सिमाइज, अल्ट स्पेस एक्स से मैक्सिमाइज, आर से री स्टोर, एक्स मिक्समाइज हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद अल्ट स्पेस क्लोज करना है, तो सी क्लोज क्या करना है, अल्ट स्पेस और सी से क्लोज। ओ माय गॉड, मेरा ये तो क्लोज हो गया। चलिए फिर से स्टार्ट कर देते, विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे विन वर्ड लिख के इसको हम ओपन कर देंगे। तो हम लोग देख लिए रीस्टोर कैसे करते हैं और मैक्समाइज मिनिमाइज कैसे किया जाता है। एक अल्ट प्लस F4 से भी क्लोज हो जाएगा, ठीक। वो तो कहीं पे भी आप काम करते हैं तो विंडोज के अंदर किसी भी फोल्डर को जो आप ओपन किए हैं तो वहां पे आपका ये हो जाएगा। देखिए उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे इसको रूलर्स एरिया कहा जाता है, इसको है जो रूलर्स कहा जाता है। ये हो गया, क्या हो गया, रूलर्स हो गया। उसके बाद इसको हम हाइड शो भी कर सकते हैं। देखिए हाइड शो कैसे करेंगे, इसके लिए व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे रूलर्स हाइड हो गया, शो हाइड शो। और ये है जो वर्क एरिया है, क्या ये वर्क एरिया है। चलिए इसके बाद हम लोग पैराग्राफ लेंगे। तो पैराग्राफ लेने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे और आर ए एन डी रैंड लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लिख देंगे और उसके बाद इंटर दाब देंगे। कुछ ये पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ पे हमको काम करना। देखिए वैसे ये पैराग्राफ है जो वर्ड ऑप्शन का, हेल्प ऑप्शन का ही कुछ है जो उठा के इसमें डाल देता है। तो चलिए अब इसमें हम चलते हैं, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। थोड़ा हम इसको जूमिंग कर लिए और इसको सिलेक्ट कर लिए। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट में क्या होगा, यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको फॉर्मेट यहाँ से रखना है रख सकते हो। वैसे आपको हिंदी रखना है तो उसके लिए क्या रखिएगा, कुर्ती दी, यह जो ज्ञ त न ज प आया है ये रखिएगा। बाकी इसमें जो फॉर्मेट है किसी भी फॉर्मेट को आप चेंज करके लिख सकते हैं। फिर इसमें क्या है,
फॉर्मेट साइज यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं। ठीक, वैसे फॉर्मेट साइज होता है कम से कम कितना कर सकते हैं, जो एक कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप 1638 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 1638। चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे लिख दिए 1638, यहाँ पे नंबरिंग लॉक है, इसको हम ये कर दिए 1638 लिख के इंटर। देखिए बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि दिखाई दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, ओ माय गॉड। तो इसको हम अगर 39 cc को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, इससे कमेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा हम इसमें एमएस वर्ड में जो फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, 1638 कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सिलेक्ट तो है ही, इसको हम कितना कर देते हैं, 14 कर दिए, 14 कर दिए, 14 करने के बाद ये छोटा हो गया। चलिए फिर से अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, और ये तो समझ गए, यहाँ पे यहाँ ग्रो फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट से क्या होता है, जो ग्रो फॉन्ट से भी बड़ा होता है, इसमें ऊपर की ओर ये आइकन है, और इसे जो सिंक फॉन्ट है इससे छोटा होता है। ठीक, ग्रो फॉन्ट, सिंक फॉन्ट बड़ा करना है। अब शॉर्टकट में बड़ा करना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट, ग्रेटर देन से बड़ा होता है और लेस देन से छोटा होता है। ग्रेटर देन से क्या होता है, बड़ा होता है, और लेस देन से छोटा होता है। इसके बाद क्या करना है, बाय द वे इसको सिलेक्ट कर लिए, अगर बोल्ट करना है मोटा में तो यहाँ से बोल्ट कर देंगे। देखिए बोल्ट हो रहा है, ये है जो बोल्ट हो रहा है। शॉर्टकट में क्या है, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी कीजिए, बोल्ट हो जाएगा। वैसे आपका जो शॉर्टकट है ये जो टूल पे रखिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए जैसे इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई से इटैलिक, तिरछा करना है तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए, तिरछा कर लिए, देखिए तिरछा हो जाता है, इटैलिक हो जाता है। अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। उसके बाद अंडरलाइनिंग, देखिए ये जो हम लिखे हुए इसमें अंडरलाइनिंग करना है, तो यहाँ से आप अंडरलाइनिंग डायरेक्ट कीजिएगा तो एक बार अंडरलाइनिंग हो जाएगा, यहाँ से डबल अंडरलाइनिंग हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको करना है यहाँ से कीजिए, और यहाँ ये विभिन्न प्रकार के अंडरलाइनिंग दिया गया, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। वैसे कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल यू प्रेस कीजिएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक, हट भी जाएगा, आ भी जाएगा। लेकिन इसी में आपके पास अगर आपको अगर कलर वाला अंडरलाइनिंग चाहिए तो कलर वाला भी कर सकते हैं, यहाँ से डिजाइनिंग वाला ये इतना है, ये सारा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको अगर अंडरलाइनिंग कलर में करना है तो कलर में अंडरलाइनिंग कैसे करेंगे, तो कलर में करने के लिए आपको बगल में आना है, यहाँ पे क्या है अंडरलाइन कलर, किस कलर से, रेड से करना है तो रेड से हो गया। देखिए ये बहुत ही मजेदार है। उसके बाद क्या है, कंट्रोल जेड से, देखिए आप यदि लाइफ में गलती करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता है, लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ऑप्शन देता है कि आप कितना भी गलती कर लीजिए ये डिलीट कंट्रोल जेड से अंडो होता रहेगा। ठीक, तो इसके बाद क्या करना है, इसका स्टिक थ्रू, बाय द वे आप किसी आप जूनियर को दिए हैं वर्क करने के, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, वो अगर गलती कर दिया तो, गलती कर दिया तो उसको चेक कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, बीच से काट दीजिएगा, तो स्टिक थ्रू, बीच से काट देने के लिए स्टिक थ्रू, स्टिक थ्रू, स्टिक थ्रू का किसका उपयोग करेंगे, स्टिक थ्रू का। अब देखिए आप यदि कहीं पे जैसे जल का अंश तो क्या होता है, H2O, लेकिन H2O ये जिस प्रकार से होता है, क्योंकि टू होता है क्या होता है उस समय लटका के, तो यहाँ पे जो लटका के होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू नीचे लिख देंगे। अब देखिए फिर से आते हैं, NaSO4, Na2SO4, Na2SO4, ये हो गया। तो इसमें भी टू क्या है, नीचे लिखना है हमको, तो नीचे लिखने के लिए क्या है, यहाँ सबस्क्रिप्ट, इसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं, इससे नीचे आ जाएगा। ठीक, ये सबस्क्रिप्ट से क्या होगा, नीचे हो जाएगा, इससे तो इससे नीचे कर लिए। फिर ये सुपर स्क्रिप्ट है, इससे ऊपर होगा, तो हम सब स्क्रिप्ट से नीचे, बट इसी पे हमको अगर लिखना है फिर इसको हटा देना, फिर इसी में हमको लिखना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के लिए सुपर स्क्रिप्ट, तो स्क्वायर। ठीक, फिर इसको हटा देना है, प्लस बी स्क्वायर, तो जो आपको लिखना है लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, सुपर स्क्रिप्ट। अब देखिए ये बहुत ही मजेदार है, इसमें जैसे आप टाइप किए तो, टाइप किए तो आपको टाइप करने के बाद आपके जरूरी है, क्या जरूरी है, क्योंकि ये सेंटेंस है, हमको सेंटेंस, ये तो सेंटेंस के फॉर्मेट में है, लेकिन ये अगर लोअर केस, तो लोअर केस में क्या हो जाएगा, जितना भी वर्ड है सारा का सारा लोअर हो जाएगा, बोले तो स्मॉल। अपर केस, अपर केस में जितना भी जो लेटर है ABCD का सारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। फिर क्या है, कैपिटल ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड के, जैसे इसमें पी हो गया, आर हो गया, सी हो गया, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया, क्या हो गया, कैपिटल हो गया, कैपिटल बोले तो समझ रहे ना, बड़ा हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आते हैं फिर से कैप्टन, टुगल, टुगल में क्या हो जाएगा,
पहला वाला है जो स्मॉल, उसके बाद सब कैपिटल, पहला वाला स्मॉल उसके बाद कैपिटल। यहाँ तक तो हमको जो लगता है समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, चलिए इससे आगे क्या देखते हैं, ये जो है हाईलाइट कलर, तो हम इसको जो सिलेक्ट किए इसको हाईलाइट करना है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ से हाईलाइट, जो कलर में आपको हाईलाइट करना है आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन इसी में आपको टेक्स्ट कलर करना है, कलर को जो टेक्स्ट करना है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर, तो इससे टेक्स्ट कलर मतलब लिखा हुआ कलर होगा, इससे क्या होगा लिखा हुआ कलर, इसमें आप जैसा मर्जी वैसा, अगर इसमें नहीं पसंद है, बाय द वे यहाँ से इस ये फंक्शन तो लड़की के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आपको जहाँ पे जिस जगह पे है जो सिलेक्ट करना है उस जगह के पॉइंटर के पकड़िए और इसको आप सिलेक्ट करें। ये है जो फॉर्मेट क्लियर ऑप्शन है, इसमें हम सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट क्लियर, यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्मेट क्लियर हो गया, ये फॉर्मेट हो गया क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये है जो लेफ्ट इंडेंट, हम जो काम किए हुए हैं अगर बायां साइड से इसको लिखना चाहते हैं तो लेफ्ट इंडेंट, अगर जैसे इसको एल, कंट्रोल एल, कंट्रोल एल से क्या हो जाएगा लेफ्ट इंडेंट, और उसके बाद सेंटर करना है तो कंट्रोल सी से सेंटर, और कंट्रोल आर से हो जाएगा राइट इंडेंट, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई, जस्टिफाई में क्या हो जाता है इस साइड भी बराबर कर देता है और इस साइड भी बराबर कर देता है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ से लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग इसके बीच का दूरी ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, अगर यहाँ से और कम करना है तो इसको जीरो कर दीजिए और यहाँ से और कम हो जाएगा। और इसमें है जो बाय द वे, हाँ बस इतना ही, और ये सब भी यहाँ से ज़्यादा करना है ज़्यादा कर लीजिए, यहाँ से कम कर लीजिए, फिर इससे कम कर लीजिए, कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ये है जो सेंडिंग, सेंडिंग क्या है, ये पेज को ही कलर कर देता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट किए तो बैकग्राउंड को, यह है जो किसको कलर करेगा, बैकग्राउंड को ही कलर कर देता है, तो यह बैकग्राउंड को कलर कर देगा। लेकिन इसमें ही है कि यहाँ पे ये है, तो इसमें क्या, ये आउट बोले तो ये टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर करेंगे ये ऊपर से बॉर्डर देगा, यहाँ ये पैराग्राफ के ऊपर से। चलिए इसमें फिर से आते हैं, इसी प्रकार से लेफ्ट बॉर्डर करेंगे तो लेफ्ट से आ गया, जितना पैराग्राफ है लेफ्ट में आ गया। इसी में फिर क्या करेंगे, हम ऑल बॉर्डर करेंगे तो सारा पैराग्राफ जितना रहेगा सारे के सारे पैराग्राफ में ये बॉर्डर आ जाएगा, तो बॉर्डर ऑप्शन हो गया। यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं बॉर्डर, अगर कहीं से कहीं आपको ड्रॉ करना है यहाँ से यहाँ तक तो आप ड्रॉ कीजिएगा, लेकिन ये एक पैराग्राफ है इसके कारण नहीं हो रहा है, ठीक, यहाँ से आप बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ करने के बाद देखिए ये है जो डिजाइनिंग सब है, तो इसमें से आप देख लीजिएगा। तो फिर से हम लोग होम टैब पे आते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही अलग भाग गए थे, होम टैब पे हम नॉर्मल यहाँ पे नो बॉर्डर कर देते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, ये सारा ऑप्शन देख लिए और इसका काम देखते हैं, बुलेट, देखिए बुलेट का उपयोग क्यों किया जाता है, कंट्रोल से ऑल सिलेक्ट, इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर से हम ले लेते हैं और इसमें क्या करना है, क्या करना है भाई, तो इसमें करना ये है कि बॉर्डर बुलेट, बुलेट का मतलब क्या हो, जैसे ये काम किए हुए हैं इसमें जितना पैराग्राफ है तो उसमें बुलेट ऑप्शन के जो पॉइंट देने के लिए इसमें बुलेट का उपयोग आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको फोटो लेना है बुलेट में तो फोटो भी ले सकते हैं, डिफाइन में आइए, सिंबल, यहाँ से सिंबल आपको लेना है जितना भी तो आप यहाँ से सिंबल भी ले सकते हैं, और नहीं तो पिक्चर लेना है तो किसी पिक्चर को भी ले सकते हैं। चलिए इम्पोर्ट में आइएगा, इम्पोर्ट में आने के बाद जो आपके पास पिक्चर है लोगो है उसको आप ले सकते हैं, तो बाय द वे हम यही पिक्चर को ले लेते हैं, और ये पिक्चर लेने के बाद हम यहाँ से लेके ले लिए, और पिक्चर को चाहते हैं बड़ा करना तो इस पे पिक्चर पे सिलेक्ट करिए और यहाँ से ग्रो फॉन्ट करके बड़ा कर लीजिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, चलिए हम इसको हम क्लियर करते हैं। और इसके बाद ये है जो, ये भी है जो मल्टी नंबरिंग है, ठीक है, नंबरिंग है लेकिन ये मल्टी में है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम जैसे देखते हैं, तो हम ये ले लिए और लेने के बाद इसमें क्या करेंगे हम कि मल्टी लेवल, तो इसमें तो हम यहाँ नंबरिंग ही हो जाएगा, सीधा नंबरिंग हो जाएगा, या एबीसीडी देना है तो एबीसीडी काउंटिंग में करना है, जो आपको करना है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और क्या नया ऑप्शन है, तो देखिए ये है मल्टी लेवल, यहाँ से मल्टी लेवल, तो हम इसको ये हो गया, इस पर हम एक बार टैप कर दिए, इस पर है जो एक दो बार कर दिए, एक दो बार कर दिए, नहीं इस पे एक ही बार करेंगे, अब देखिए एक बार टैप करेंगे,
अब इसको हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे इसको, अब इसमें हम करेंगे मल्टी लेवल। अब देखिए क्या ए, ए का भी पॉइंट, फिर इसका पॉइंट, तो ये पॉइंट देने के लिए राम सीता, ठीक है, तो इसके अंदर ये सारा का सारा पॉइंट देने के लिए आपको ये आ जाएगा, ठीक। तो यहां तक ले, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है शॉर्ट्स, तो इसमें क्या है, तो इसमें हम इसको सिलेक्ट किया, वैसे नंबरिंग के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें देखिए इसमें जो ये डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले एस आया, उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो पहले क्या हो जाएगा, अगर ए वाला रहता तो इसके बाद बी से स्टार्ट होता जो सी से, तो इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए इसके बाद फिर से हम लोग देख लेते हैं, अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे जो है तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे पैराग्राफ मार्क है, तो पैराग्राफ देखिए पैराग्राफ मार्क का उपयोग क्यों किया जाता है, तो जहाँ जहाँ आपके पास स्पेस रहेगा वो हर जगह पे यहाँ बुनका जो है आपको डॉट दे देगा, और अंत में जो पैराग्राफ मार्क दे देगा जहाँ आप पैराग्राफ चेंज करते, तो ये आप जो टाइप करते हैं तो उस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपसे जो गलती होता है वो गलती को बताता रहता है। अब हम लोग थोड़ा आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड चलने से पहले गाड़ी को पहले लेफ्ट साइड में ही घुमा लेते हैं, तो अब आते हैं इसको हम सिलेक्ट किए, ये पैराग्राफ मार्क हम हटा देते हैं, इसको हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, और जहाँ रखना होगा वहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट। शॉर्टकट में कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और कंट्रोल वी से पेस्ट, तो कट करेंगे तो वहाँ से हट जाएगा, कट करेंगे तो क्या होगा वहाँ से हट जाएगा, जबकि कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों जगह रहेगा, और इसी को हम कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और जहाँ रखेंगे वहाँ भी रहेगा, ठीक। और पेस्ट देखिए वैसे पेस्ट के लिए आप यहाँ भी क्लिक करते हैं तो पेस्ट ये आ जाता है, ठीक, और वहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर क्या है, यहाँ देखिए पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल क्या है, तो यहाँ पे आप अगर बाय द वे इसको अगर हम बोल्ड कर दिए, इसका कलर चेंजिंग कर दिए, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हम कर्सर को रख दिए, और इसके बाद यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे आते हैं, और आने के बाद है जो हम इसको है ना जो अनफॉर्मर में इसको हम कर दिए, तो क्या ये एंड स्टार्ट, लेकिन इसमें इसका ये फॉर्म जो है वो नहीं आया, लेकिन फिर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम आ गए, और आने के बाद इसमें क्या करेंगे पेस्ट कर देते, कंट्रोल भी से पेस्ट, तो इसमें जो बैकग्राउंड है जो हाईलाइटेड वगैरह किया है सर आ गया, लेकिन यह है जो एक फॉर्मेट में आ गया था, यह है जो फॉर्मेट में आ गया, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, आगे क्या करने चलते हैं, तो आगे देखते हैं ये फॉर्मेट, ये बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है, मज़ेदार कैसे है अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिए, क्या कर लिए सिलेक्ट, इसको हम बड़ा कर लिए, बड़ा करने के बाद इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइनिंग करना है अंडरलाइनिंग कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर एक बार अगर हम क्लिक किए तो जिसको किए वो तो ऐसा हो गया लेकिन ये हट गया, लेकिन फिर हम इसको हम या इसी को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, एक दो दो बार करेंगे, अब जिस जिसको अगर वैसा बनाना है लेफ्ट क्लिक कर करके उस पर घसते रहेंगे और वो चेंज होता रहेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग फिर से चलते हैं, इसको कंट्रोल एस ऑल सेलेक्ट करके बैक स्पेस से डिलीट कर दिए, और उसके बाद अब क्या है, तो फिर से आते हैं, फिर से ये अंडरलाइनिंग हम हटा देते हैं, और इसमें फिर से हम ले लेते हैं ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल एस ऑल सेलेक्ट, और कंट्रोल लेस देन से हम छोटा कर लेते हैं, और इसके बाद क्या करना है, तो अब देखिए ये है, तो इसमें ये बना बनाया है जो स्टाइल दिया गया है, या तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो ये है आपको बना बनाया स्टाइल सब ये दिया गया है, तो यहाँ से आप देख के ले सकते हैं, नाम वगैरह देकर ले सकते हैं। अब देखिए फाइंड, फाइंड का उपयोग क्यों किया जाता है, तो फाइंड का उपयोग है जो ढूंढने के लिए किया जाता है, अगर कोई भी वर्ड वगैरह लिखे हुए हैं तो जिसको ढूंढना हो तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, फाइंड का, फाइंड का क्या चीज़ का, फाइंड का, तो फाइंड का उपयोग करते हैं। इसमें बाय द वे ऑन ढूंढना है, ऑन ओ एन ऑन, तो देखिए फाइंड देखो नहीं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओ एन जहाँ जहाँ लिखा रहेगा वो सारा का सारा आ जाएगा, लेकिन इसी में है रिप्लेस ऑप्शन, रिप्लेस ऑप्शन का क्या, ये वही है रिप्लेस,
रिप्लेस ऑप्शन का। तो आप थ्री इडियट तो देखे हुए थे, उसमें आमिर खान क्या किए थे, वो जो लेटर था तो लेटर को क्या उस जगह पे चमत्कार को कुछ और ही कर दिया हुआ था ना। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और ऑन को क्या चीज में बदलते हैं, ऑन को बदल देते हैं नेवर में। चलिए नेवर में बदल दिए, और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो एक एक रिप्लेस और जहां जहां ऑन लिखा रहेगा सारा का सारा कितना जगह पे बदल रहा है, 7 जगह पे। देखिए यहाँ पे शुरू में था नेवर हो गया, तो इसका उपयोग है जो रिप्लेस करने के लिए। बाय द वे इसका उपयोग अगर कहीं पे पर आपको अगर लिखने के लिए बोला गीता, तो गीता लिखने के लिए तो आप लिख दिए GEET, लेकिन बाद में मालूम चला कि GITA होता है, तो उस वक्त आपको अगर सही करना है तो बहुत पेज है, तो उस जगह पे आप सही करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, गो टू। गो टू का देखिए कौन सा पेज में जाना है, कौन सा सेक्शन में जाना है, लाइन में जाना है, तो इसके लिए आप गो टू ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन क्या होता है, तो जब किसी भी प्रकार के पिक्चर, चैट या लिंक वगैरह सब डालना हो तो हम लोग इंसर्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। इंसर्ट का मतलब ही होता है डालना। तो देखिए पहले हम कवर पेज का हम उपयोग करते हैं, जैसे किसी भी प्रकार की यदि आप बुक बनाते हैं तो बुक में तो कवर तो होता है ना, तो कवर देने के लिए ही कवर पेज का उपयोग करते। देखिए ये दिया हुआ है, बना बनाया रेडीमेड है, समझ रहे हैं ना, तो रेडीमेड है तो इसको आप ले सकते हैं, तो इसको लेना है तो इसको ले लीजिए। यहाँ पे अगर टाइटल डॉक्यूमेंट टाइटल है तो यहाँ पे अगर लिख दीजिए, लिख सकते हैं द कंप्यूटर एजुकेशन, नहीं तो लिख सकते हैं कंप्यूटर दो हजार तेईस, यहाँ जो लिखना है लिख लीजिए। तो एक ये देखिए, एक ये बुक की का कवर की तरह आ गया। और इसमें भी कुछ लिखना चाहते तो लिख सकते हैं दिस बुक बुक इज स्पेशली डेवलप, दिस बुक इज स्पेशली डेवलप जो आपको लिखना हो लिख सकते हैं। लिखने के बाद है देखिए एक एक कवर, एक जो बुक का कवर है ये बन गया है। और इसके बाद फिर क्या करना है, अगर दूसरा लेना है तो दूसरा ले लीजिए, उसमें भी द कंप्यूटर एजुकेशन आ गया, अब इसमें आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कवर पेज का उपयोग। उसके बाद देखिए ब्लैंक पेज क्या है, तो ब्लैंक पेज क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको अगर हटाना चाहते हैं कवर पेज को तो हटा भी सकते हैं, यहाँ रिमूव कवर पेज हट गया। ब्लैंक क्या है, तो इसके लिए हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ बाय द वे ले लेते हैं। ये पैराग्राफ ले लिए, अब पैराग्राफ ये जो लिए हैं तो इसमें देखिए ब्लैंक ब्लैंक करेंगे तो यहाँ अगर हम कर्सर रखे उसके बाद ब्लैंक किए तो क्या हुआ, इसके बीच में एक पेज आ गया, आ गया एक पेज। लेकिन इसी में आप अगर कीजिएगा, देखिए फिर से देखिए यहाँ पे हम ये कर्सर है ब्लैंक किए, तो ब्लैंक किए तो क्या हुआ, इसके और इसके बीच में एक पेज आ गया। लेकिन इसी में आप यहाँ पे करना चाहते हैं, चलिए यहाँ रख दिए कर्सर, इसमें ब्रेक किए, तो ब्रेक किए तो क्या हो, उसके बाद टूट के एक अगला पेज में आ गया। जब आप ब्लैंक कीजिएगा तो बीच में एक अलग से पेज आ जाएगा, और लेकिन जब इसी में आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक उसी पेज को जो कर्सर जहां पे रहेगा उसके बाद वाले को अलग पेज में रख दिया जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ पे आते हैं टेबल ऑप्शन है, टेबल ऑप्शन देखिए टेबल इसको कहते हैं ऊपर से नीचे है, इसको कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉलम, और इसको क्या कहते हैं रो, तो ले सकते हैं एक देखिए यहाँ बगल में आपका दिखाई देगा, इसको कर लेते हैं 100, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 हो रहा है पार्टीशन, उसके बाद नीचे की ओर भी करना हो तो आप पार्टीशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक लेना है हम ले लिए, ये तभी यहाँ तक जो लिए है। तो इसके बाद दो ऑप्शन आ गया, एक डिजाइन ऑप्शन, एक क्या आ गया लाइआउट ऑप्शन। देखिए डिजाइन में क्या, ये डिजाइनिंग आपका है तो डिजाइनिंग लेना है तो डिजाइनिंग ले सकते हैं, नहीं तो इसके बाद एक और है यहाँ पे जो सेंडिंग है, तो इसमें भी आपको अगर बैकग्राउंड के रूप में इसका जो लेना है, चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद सेंडिंग पीछे का कलर क्या पीला देना है तो पीला दे दिए, ठीक। तो इसका जो लिखे हुए कलर देने के लिए ये सेंडिंग ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अब देखिए बॉर्डर, ये बॉर्डर कौन सा बॉर्डर, नो बॉर्डर, तो बॉर्डर नहीं रहेगा, बिना बॉर्डर का हम
इसी में बॉर्डर चाहते हैं तो नो बॉर्डर हो गया ही। अब बॉर्डर चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर कीजिएगा, आउटसाइड बॉर्डर कीजिएगा, सिर्फ आउटसाइड रहेगा। और काम कीजिए, टैब मारिए, आगे में चला जाएगा, लेकिन ये इसमें ये प्रिंट कीजिएगा तो ये बॉर्डर के रूप में नहीं निकलेगा। चलिए फिर से इसमें आ गए, और इसके बाद अगर ऑल बॉर्डर करेंगे तो जितना है, नहीं सिलेक्ट करेंगे उसके बाद होगा, ऑल बॉर्डर करेंगे तो जितना है सभी में बॉर्डर आ जाएगा। आ गया, और इसके बाद फिर क्या करना है देखिए, इसके बाद ये जो है, अगर इसको मोटा पतला भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, है ना, मोटा भी कर सकते हैं और पतला, मोटा भाई समझते हैं ना, तो मोटा भी कर सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं। तो अगर मोटा कर लिया, अब देखिए इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ, ये हो गया, यहाँ से यहाँ ये हो गया, यहाँ से यहाँ ये हो गया, और इसको फिर यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए, ये हो जाएगा, ये तो छोटा छोटा पे आ जाएगा, यहाँ से ये, और एक ही बार आप सिलेक्ट कीजिए ऐसे, और ये है जो ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल जेड से पीछा कर सकते हैं। इसमें बताया हुए है कि लाइफ का गलती है जो डिलीट नहीं होता है, लेकिन इसका गलती है जो डिलीट हो जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमको ऑप्शन देता है। चलिए अब पेन टूल क्या है, देखिए पेन टूल का उपयोग, तो यहाँ पे आप कलर जो है आपको चूज करना है, कलर चूज कर लीजिए, और उसके बाद ये पेन टूल है जहाँ से आपको पार्टीशन करना है कर सकते हैं। उसके बाद इरेज टूल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो किसी भी रो या कॉलम को मिटाने के लिए इरेज टूल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद लाइआउट, लाइआउट में आने के बाद देखिए पहले हम इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। लाइआउट का उपयोग क्यों किया जाता है, पहले इसके लिए फिर से आते हैं, टेबल ले लिए, टेबल लेने के बाद एक लाइआउट ऑप्शन आ गया, देखिए लाइआउट, तो इसमें डिलीट, अगर किसी भी रो या कॉलम को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट कर लिए, ये डिलीट हो गया, लेकिन फिर से आया इसी में, और इसमें लेना है इंसर्ट, इंसर्ट बोले तो लाने के लिए, तो एक दो तीन चार, चार रो है, एक सिलेक्ट कर लिए, इंसर्ट एवं ऊपर, पांच गो रो हो गया, ये ऊपर आया, देखिए ये है, इसको हम फिर से हम सिलेक्ट किए, इंसर्ट ऊपर, ऊपर आया इससे, अब यहाँ से इंसर्ट है जो क्या है बिलो, बिलो बोले तो नीचे, इसके नीचे आएगा, देखिए बिलो नीचे, ये नीचे आया। उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट साइड, इसको जो हम सिलेक्ट कर लिए तो लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बाय द वे इसमें कुछ टाइप कर दिया, और उसके बाद क्या है इंसर्ट राइट साइड, तो राइट साइड में आ गया। उसके बाद देखिए मर्ज, मर्ज बोले तो तोड़ना, मर्ज का मतलब क्या होता है तोड़ना, तो यहाँ पे जो आप इतना इसको सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने का इसको तोड़ के ए को बनाना चाहते हैं, तो किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, मर्ज का। बाय द वे हम यहाँ पे देखिए इसके लिए हम चलते हैं, इसको हम फिर से हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद इसको कट करके हटा दिए, और इसके बाद फिर से आए इसको ले लिए, यहाँ पे बाय द वे हो गया नेम, नेम, और इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम जो लिखना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक है सब्जेक्ट, तो इसको हम क्या कर देंगे, मर्ज करके एक बनाना चाहते हैं तो या तो इस पे क्लिक करके मर्ज इन सेंटर कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, नहीं तो लाइआउट पे आएंगे, वही बात है, और इसको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, यहाँ से तो मर्ज नहीं अभी काम कर रहा हो, इसको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट किए मर्ज हो गया, मर्ज किए के बाद हो गया एक टूट गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, और इसको सेंटर करना है तो कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से क्या कर दिए, सेंटर कर दिए। तो इस प्रकार से हम मर्ज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अब देखिए ये क्या है, स्प्लिट सेल, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, अब ये जो है, अब इसमें भी हम दो पार्टीशन बांटना चाहते हैं, ये है इसको सिर्फ दो पार्टीशन, इसको इसको इसको, तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए और इस पे आ गए स्प्लिट, और स्प्लिट कितना में इसको बांटते, दो तीन चार पाँच, कितना में, तो तीन में, तो ये क्या हो गया, तीन में आ गया, ठीक। अगर एक में है जैसे यहाँ पे अगर सब्जेक्ट साइंस है, साइंस में अगर मैथ, अब सब्जेक्ट में देखिए फिर से आते हैं, यहाँ पे अगर लिख देंगे साइंस, इस साइंस हो गया, ठीक, तो साइंस में तीन सब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए, और तीन सब्जेक्ट का है तो हम तीन सब्जेक्ट यहाँ पे दे देंगे, जैसे पहले नाम लिख देते हैं राजू, उसके बाद सोनू, मोनू, रूपा, क्या चीज, रूपा, उसके बाद देखिए साइंस, साइंस में क्या गो है, तीन गो है, तो तीन गो है साइंस में, तो यहाँ पे आएंगे और
कहाँ पे आएंगे, या स्प्रिट सेल पे, और क्या गो बनाना है, जो चार गो है तो चारों में तीन गो बनाना है। चलिए तीन गो हो गया, उसके बाद ये तीन तीन हो गया। अब इसमें क्या है, केमिस्ट्री है तो लिख देंगे केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। ठीक, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो स्प्रिट सेल का तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, स्प्रिट से टेबल। देखिए स्प्रिट टेबल का उपयोग ये है, और इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, स्प्रिट क्या हुआ, टूट के अलग हो गया, हो गया ना, टूट के अलग हो गया, इसका दिल टूट गया। चलिए चलते हैं इससे आगे, और इससे आगे हम लोग क्या करते हैं, फिर से आते हैं और इस पे हम लेआउट पे आते हैं, और इसके बाद एटोफिट कॉलम। देखिए एटोफिट क्या है, एटोफिट अगर हम यहाँ पे कुछ लिख दिए, यहाँ पे कुछ लिख दिए, टाइप कर दिए यहाँ पे 02, अब इसको हम सेलेक्ट किए और एटोफिट कॉलम पे आएंगे, एटोफिट कंटेंट, द कंटेंट एटोफिट, तो जितना दूर में आपका कंटेंट रहेगा ना, क्या चीज कंटेंट, तो उतना ही दूर में वो चला जाएगा। तो ये तो समझ गया कि कंटेंट के हिसाब से एटोफिट, या एटोफिट विंडोज, विंडोज कीजिएगा तो विंडोज के हिसाब से यहाँ एटोफिट हो जाएगा। ठीक, एटोफिट देखिए, एटोफिट कॉलम कंटेंट हो गया, लेकिन इसको हमको विंडोज के हिसाब से करना है एटोफिट, तो विंडोज के हिसाब से इसको कर देंगे, एटोफिट विंडोज, देखिए विंडोज के हिसाब से हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसका हाइट और विड्थ जो बढ़ाना है, इसको पहले हम कट करके हटा देते हैं, फिर से आते हैं, फिर से टेबल ले लिए, और टेबल लेने के बाद हम लेआउट ऑप्शन पे आ गए, कहाँ आ गए, लेआउट पे। अब इसका हाइट और विड्थ अगर बांटना है समान मात्रा में, तो यहाँ से आप बांट सकते हैं, ये बांट सकते हैं, ठीक, इतना से कम नहीं होने वाला है, इसको भी बांट सकते हैं, देख रहे हैं हो रहा है। चलिए अब क्या है, डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट रो क्या, इसको अगर समान मात्रा में रो को बांटना चाहते हैं तो ये समान मात्रा में बांटा जाएगा। ठीक, कई कॉलम भी समान मात्रा में, अगर देखिए इसको हम यहाँ कर दिए और इसको यहाँ कर दिए, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट, एक रंग हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये भी एक रंग हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो सारा का सारा जो काम किए हुए हैं वो एक जैसा हो जाएगा। चलिए अब इसमें फिर से चलते हैं, लिख देते हैं कुछ, राजू, सोनू, मोनू, सीता, गीता। चलिए टाइप करिए, टाइप करने के बाद क्या हो गया, इसमें जो है तो हम लिखे हुए हैं तो ये यहाँ कर दिए, और इसमें देखिए ये जो है तो ये ऊपर अगर लिखना है तो ऊपर ये हो जाएगा सेंटर, राइट, उसके बाद लेफ्ट, राइट, सेंटर, यही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है, ये डायरेक्शन इसका बताता है, डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन घुमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये शॉर्ट्स, देखिए इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये टाइप लिखे हुए हैं और इसमें क्या आएंगे, असेंडिंग, असेंडिंग करेंगे, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग करेंगे तो पहले जेड से अगर होगा तो जेड से आएगा, यानी बोले तो आगे से लेके बढ़ते से लेके घटते हुए क्रम में आएगा, और इसको असेंडिंग करेंगे तो है ना जो बढ़ते क्रम में जाए। क्या करना है, फॉर्मूला ऑप्शन पे आना है और लेफ्ट, देखिए सम ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट को है जो जोड़ेंगे, ऐड करना हो तो ये आ जाएगा, फिर ये हो गया, यहाँ भी लेफ्ट के सम करना है तो यहाँ पे आएंगे और सम लेफ्ट, यहाँ पे हम सिलेक्ट करना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवेव नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट आ गया, फिर इसको है तो इसको जो ऐड करना है तो फिर इसमें आएंगे सम ऑफ लेफ्ट, एवम नहीं, एवम करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट, तो ये आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेबल के अंदर जितना भी ऑप्शन था लगभग सारा को देख लिए, और इसके बाद अब क्या है, इसके बाद है पिक्चर, क्या है, पिक्चर, पिक्चर समझ रहे हैं ना, ये मेरी फोटो, तो पिक्चर हो गया, तो पिक्चर का क्या है इसका काम, तो इसके लिए आते हैं पिक्चर पे, आ गए डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हम किसी भी एक पिक्चर को ले लिए, चलिए ये आमिर खान का पिक्चर आ गया, और इसमें क्या करना है, तो इसमें ये फॉर्मेट ऑप्शन, पिक्चर लिए थे, एक नया ऑप्शन फॉर्मेट आ गया। देखिए फॉर्मेट में क्या है, अगर इस फोटो को अगर 12, देखिए यहाँ से है ना जो 12 करना हो तो 12 हो जाएगा,
छोटा करना हो छोटा हो जाएगा। और ये कोना से करेंगे तो दोनों होगा, लेंथ लंबाई और चौड़ाई दोनों, लेकिन यहाँ से सिर्फ करेंगे तो चौड़ाई होगा, यहाँ से ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, तो ये कोना से होगा जो रेशियो में होगा, और यहाँ से अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ से भी आप कर सकते, देखिए यहाँ से कर सकते, एक कीजिए दूसरा है ऑटोमेटिक होता जाएगा। और देखिए इसके बाद एक ऑप्शन है क्रॉप, क्रॉप का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम इसको क्रॉप पे आए, देखिए चिन्ह आ गया, इसको हम यहाँ पे ले आए और इसको और यहाँ पे ले आए, ये हो गया, तो ये एक क्रॉप हो गया। ठीक, तो क्रॉप ऑप्शन समझ में आया होगा कि क्रॉप का मतलब जितना आपको जरूरत है उतना ही रख लीजिए और बाकी सबको हटा दीजिए, ये क्रॉप ऑप्शन। उसके बाद क्या है, ये रोटेट, देखिए रोटेट का उपयोग क्यों किया जाता है, हम पहले इसको क्या करते हैं, क्रॉप कर लेते हैं आधा परसेंट, कहाँ से आधा परसेंट को हम क्रॉप कर लिए, क्रॉप करने के बाद इसी को हम क्या किए, कॉपी कर लिए और पेस्ट कर लिए, पेस्ट करने के बाद इस पर हम क्लिक कर दिए और रोटेट, ये हाँ। अब देखिए अब क्या हुआ फोटो का, अब देख लिए, अब देखिए इधर नहीं आ रहा, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे दो बार क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट ब्रेपिंग आया, टेक्स्ट ब्रेपिंग में क्या है, अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो उसके बाद इसको हम ले जाएंगे जहाँ पे वहाँ पे जाएंगे। अब देखिए आमिर खान का क्या हो गया, चलिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे हम स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में ये हो जाएगा, ठीक ये स्क्वायर में हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, ये स्क्वायर में, देखिए इसके कारण स्क्वायर में यहाँ भी इतना आ गया है और इधर भी एक्स्ट्रा आ गया है, तो इस प्रकार से ये स्क्वायर में है। और इसके बाद ये स्क्वायर में है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए यहाँ पे फिर से आते हैं, यहाँ पे सारा ऑप्शन बिहाइंड बिहाइंड द टैक्स, देखिए एक अगर टैक्स यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं रैंड कुछ पैराग्राफ ले लिए, आर ए एन डी रैंड, क्या ले लेंगे रैंड, ओ शिट आका है नहीं रहा, हाँ चलिए ये ले लिए। और इसको है जो ऊपर ले चलते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, इसको एक डिलीट कर दिए और ये ऊपर जा नहीं रहा है, इसका लॉक यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पहले कर देते हैं, अब ये ऊपर आ गया। इसके बाद देखिए इसको ये है, अगर हम लिखेंगे बिहाइंड द टेक्स्ट तो क्या, टेक्स के पीछे, ऊपर से ये टेक्स आ गया, ये ऊपर से क्या आ गया टेक्स आ गया, ये टेक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कहाँ, टेक्स के अंदर। अब यहाँ पे जो लिखेंगे बिहाइंड द टेक्स, उसके बाद टॉप एंड बॉटम, टॉप बोले तो ऊपर में आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स करेंगे तो टेक्स के ऊपर आ जाएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स, टेक्स अंदर भाग जाएगा और ये टेक्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो ये सारा ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए, और इसी को बताया है कि यहाँ से आप एक और कॉपी करके और रोटेट करके कर सकते हैं। अब यहाँ से दो है तो इसके लिए आते हैं, या तो दो पिक्चर ले लेते हैं या एक शेप या एक पिक्चर ले सकते हैं, ये एक ले लिए। अब इसमें है जो ये पिक्चर है, ये जो चाह रहा है ये इसको कलर कर देते हैं, यहाँ से पिक्चर ले लिए तो, और यहाँ से है या दो इमेज हो, चलिए दो इमेज ही ले लेते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं, आते हैं इंसर्ट पे और पिक्चर पे, दो पिक्चर ही ले लेते हैं, एक ये पिक्चर ले लिए और एक और पिक्चर ले लेते हैं, इसके लिए आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, चलिए ये दो पिक्चर है, तो दो पिक्चर है, इसको हम पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिए, अब ये आसानी से चला जाएगा। अब एक ये पिक्चर है, इसको भी कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अब ये पिक्चर इसको क्या करते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लेकिन अब हमको क्या करना है, ये पिक्चर है ये जो इसको है जो ये पिक्चर जो ऊपर आना चाहिए, ये पिक्चर ऊपर, तो इसके लिए क्या करेंगे ब्रिंक टू फ्रंट, क्या करेंगे ब्रिंक टू फ्रंट, अगर ये पिक्चर के लाना है तो ब्रिंक टू फ्रंट, तो इसको डायरेक्ट पीछे भेजना है तो सेंड टू बैक, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए ये पिक्चर को हम लेके पोजिशन, क्या पोजिशन, पोजिशन देखना चाहते हैं तो कौन सा कहाँ पे पोजीशन देखें, ठीक ये जो पोजीशन जो देखेंगे लेफ्ट राइट टॉप बटन, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं।
अब देखिए इसके बाद क्या करना, ये जो हम लिए है फोटो, इसको अगर शेप में चेंज करना है, क्या चीज में, शेप में, तो यहाँ से शेप में, ये शेप के अंदर आ जाएगा, ये फोटो क्या हुआ, शेप के अंदर आ गया, ये देखिए है ना मजेदार। हाँ, और इसको थोड़ा और चौड़ा कर दीजिए, और इसके बाद क्या है ये, और इसमें सही प्रकार का शेप है, आप किसी भी शेप को चूज कर सकते हैं। देखिए आप इसका जो जो ऐश्वर्या राय का फोटो ही क्या हो गया, एक ये भी एक शेप में बदल गया, और इसके बाद क्या करना है, ये सारा ये शेप में। अब इसमें देखिए यहाँ से हम अगर ये भी लेना चाहते तो ये भी, और इसमें अब इस प्रकार से इसका कॉपी भी कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करके और कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से पीछा कर सकते हैं हम। चलिए फिर से इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इसमें आप जो शेप आपको लेना हो, जो शेप में बदलना हो, आप इसको बदल सकते हैं, और बदल इस प्रकार से बदल सकते हैं। चलिए इसमें एक और ऑप्शन आ जाएगा, इसके बाद क्या है पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर जो है उसका बॉर्डर कौन सा कलर देना चाहते हैं, तो ये बॉर्डर देखिए, बॉर्डर ये है ठीक, ये बॉर्डर देखिए बगल में, पिक्चर के बगल में बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ठीक। तो पिक्चर में आपको बॉर्डर लगाना हो तो ये साइड से जो बॉर्डर लगता है, बॉर्डर लगाने के लिए पिक्चर बॉर्डर का। अब देखिए जो पिक्चर जो है उसको अगर 3D में बनाना चाहते हैं, क्या 3D में, तो 3D में जो बनाना चाहते हैं तो इसके लिए पिक्चर इफेक्ट शैडो, शैडो में देखिए कौन सा शैडो, ये सारा शैडो दिया गया है, ये जो शैडो है इसको आप ले सकते हैं, रिफ्लेक्टिव में ये भी ले सकते हैं, उसके बाद ये है, ये कलर भी इसके साथ देखिए, ये कलर भी है, तो ग्रेडिएंट वगैरह करके कलर भी है, ये भी ले सकते हैं, पॉइंट ये भी ले सकते हैं, और नहीं तो ये अगर अच्छा आपको लग रहा है तो इसको ले सकते हैं, देखिए है ना मजेदार। और इसके बाद क्या करना है, फिर से आना है पिक्चर इफेक्ट में, और 3D देखिए, 3D वाह कितना अच्छा है ना मजेदार, बहुत ही मजेदार है। यहाँ से आप कोई भी काम को कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं बोले तो यहाँ से 3D में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद पिक्चर बॉर्डर ये सब, अब देखिए ये जो है ये भी है ना, जो वही है पिक्चर इफेक्ट के लिए ही है, इसमें देखिए मजेदार कितना, जो एल्बम में जो रखा हुआ रहता है उस प्रकार से इसको बना दिया जाता है, तो ऐसा आप बना सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, यहाँ ब्राइटनेस वगैरह भी आप पिक्चर का ब्राइटनेस बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। देखिए जैसे आपको दिखाते हैं, एक और ले लिए, एक और ले लिए, तीन हो गया, क्या कितना हो गया, तीन हो गया। अब इसमें पहले से कैसा है देखिए, ये जो ये वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, देखिए पहले से ये है और ये है, तो क्या है फेयर पिक्चर ये है, और जब इसमें फेयर लवली लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, फेयर लवली, तो क्या हो जाएगा, इसमें ग्रो आएगा, ये है ऐसा है, ग्रो होके ऐसा हो जाएगा, फिर और लगाएगा फेयर लवली तो कैसा हो जाएगा, देखिए कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ठीक। तो ये फेयर लवली का जो पहले ऐसा रहेगा काला, उसके बाद क्या है फिर इसमें लगाएगा तो फिर और गोला गोरा हो जाएगा, फिर उससे भी गोरा हो जाएगा, तो किसका कमाल है, हाँ फेयर लवली का। देखिए ये कॉन्टेक्स, ये इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये है जो इसमें भी है, बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ये पिक्चर का लगभग लगभग सारा ऑप्शन, ये रीसेट देखिए, रीसेट करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा ठीक, रीसेट किए तो नॉर्मल, इसमें चेंज पिक्चर यही रहेगा सेम टू सेम, लेकिन चेंज पिक्चर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे दूसरा पिक्चर आ जाएगा ठीक। जैसे किसी एक आदमी का आप बनाए हुए हैं, तो एक आदमी का बनाए हो और सोच रहे हो कि वही फॉर्मेट सब रहे, सिर्फ पिक्चर चेंज हो जाए, तो वहां से आप पिक्चर डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं इंसर्ट में, क्लिप आर्ट्स, देखिए क्लिप आर्ट्स का उपयोग क्यों किया जाता है, तो पहले हम इसको हम डिलीट कर देते हैं क्लिप आर्ट्स, तो क्लिप आर्ट्स में आ गए, और क्लिप आर्ट्स में आने का वजह से यहाँ पे देखिए, किसी का अगर पिक्चर लेना है, पिक्चर आपके पास नहीं है, टीचर का लेना है, तो यहाँ पे टीचर लेके गो, इसको हम यहाँ पकड़ के राइट क्लिक करके, सॉरी लेफ्ट क्लिक करके इसको हम ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करने का इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं, फिर ये पिक्चर के फॉर्म में आ गया। इसमें उसी प्रकार से आपको 3D वगैरह लगाना है जो लगा सकते हैं हम। चलिए इसके बाद क्या है, तो क्लिप आर्ट्स तो समझ गए, इसके बाद शेप,
कौन सा टूल, शेप टूल। तो देखिए यह शेप टूल हो गया, शेप टूल का उपयोग शेप के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ से आपको कौन सा शेप लेना है, ये शेप लेना है तो ये ले लीजिए। और ये शेप जब ले लिए तो शेप लेने के बाद भी एक नया ऑप्शन आ गया फॉर्मेट, जैसे फोटो लिए थे ना और जो आया हुआ था सेम टू सेम वैसा ही है। तो इसमें कलर करना है, कलर कर लीजिए, ठीक। चेंज पिक्चर करना है, पिक्चर कर लीजिए, शैडो वगैरह है कर लीजिए। तो ये हम बता चुके अभी। चलिए इसके बाद क्या है और शेप का है, तो इसमें से आपको जो शेप लेना है, जैसे ये शेप, ये हो गया। और ये जो शेप लिए हैं तो इस शेप में एक देखिए एक ये बुंदा है, जैसे अगर कहानी वाला जो कार्टून वाला देखते हैं, क्या कार्टून वाला देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं एक मिनट, इसको ये फोटो ले लिए, फोटो लेने के बाद इसको क्या कर दिए, क्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, क्रॉप कर देते हैं और यहाँ से इसको हम क्या कर दिए, छोटा कर दिए, इसको नीचे नहीं आ रहा है तो यहाँ से हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिए, अब ये नीचे आ गया। चलिए एक और फोटो ले लिए ऐश्वर्या राय का, जिसका ऐश्वर्या राय का एक फोटो ले लिए और इसका भी क्या कर दिए, क्रॉप कर दिए। इसको पहले साइज छोटा कर लेते हैं, क्रॉप क्या करें, इसको डायरेक्ट छोटा कर दिए यहाँ से यहाँ, ये भी नहीं आ रहा इधर, इसको भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके छोटा कर दिए। अब देखिए ये तो हो गया, अब इंसर्ट पे आए और यहाँ पे आए और आने के बाद शेप में आने का कौन सा शेप ले लें, इसके लिए लेते हैं, चलिए यही ले लिया, यहाँ हो गया। और होने के बाद ये हो गया और यहाँ से इसको आप, यहाँ से ये है ना, इसको आपको जैसे मर्जी वैसे बढ़ा भी सकती है। आप कहेगा इसमें आएंगे, इसमें क्या लिखना है, हाई आई एम आमिर खान, आमिर, तो ये क्या बोलेगी, हाय हेलो आई एम ऐश्वर्या। तो देखिए ये फिर आएंगे और यहाँ पे इसमें से जो लेना है आपको ले सकते हैं, यहाँ पे लिख के लिख सकते हैं। देखिए इसका भी इधर है तो आप इसको घुमा सकते हैं, इसको है ना, ये यहाँ पे घुमा सकते हैं, ये कहेगा हेलो आई एम ऐश्वर्या, ठीक। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं कार्टून के हिसाब से, ठीक। और इसका उपयोग पावर पॉइंट में भी अच्छा खासा किया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग अब देखते हैं स्मार्ट आर्ट्स, स्मार्ट आर्ट्स का उपयोग क्यों किया जाता है। तो स्मार्ट समझ रहे हैं ना, किसी भी काम को स्मार्ट तरीका से करने के लिए स्मार्ट आर्ट्स का उपयोग किया जाता है। तो आते हैं स्मार्ट आर्ट्स पे, और देखिए साइकिल, ये जो साइकिल है, अब साइकिल जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक। यहाँ पे जैसे बादल आया, बारिश हुआ, आपको लिखना है, तो उसके बाद क्या हुआ, नदी में गया पानी, फिर वेपर बना, वेपर बनने के बाद क्या है, फिर ये बादल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर यहाँ आके बादल में, यदि ये जो साइकिल चक्र जो होता है, ये सब दिखाने के लिए। अब इसमें किसी भी प्रकार के आप जो कलर भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर में भी हो जाएगा, 3D इफेक्ट वगैरह जो आपको करना है यहाँ से कर सकते हैं, ये सारा जो दिया गया है। और नहीं तो देखिए ब्रांचेज, जो ब्रांचेज होता है, ब्रांचेज दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इसके लिए आते हैं फिर से इंसर्ट पे और इसके बाद स्मार्ट आर्ट्स पे, स्मार्ट आर्ट्स पे आने के बाद इसमें क्या करना है, इसके लिए हम ये ले लिए, चलिए ये ले लिए। और इसमें क्या, इसमें एक और ब्रांचेज जोड़ना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद क्या लिखेंगे, एड शेप में जाएंगे और एड शेप आफ्टर, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद एक और आ गया, लेकिन इसमें है एक ब्रांच जोड़ना। देखिए एड पे आते फिर से और एड शेप बिफोर, बोले तो ये पहले आ जाएगा। और फिर से आते इसमें, इसमें भी दो ही है, ये एवो बिलो, ये समझ। चलिए इसके लिए आप दूसरा एक लेते हैं और यहाँ ये है, तो ये जो है ये भी एक साइकिल चक्र बना हुआ है। और इसके बाद फिर से आते हैं शेप में, और शेप में आने के बाद फिर से क्या करते हैं, इसमें जो ये इसमें से लेते, चलिए इसमें से ये है, इसको ले लेते हैं, ये ले लिए। और ये जो लिए
तो अब इस पे राइट क्लिक करेंगे, इस पे क्या करेंगे राइट क्लिक, और कहाँ आएंगे एड शेप पे। एड शेप पे आने के बाद देखिए एड शेप बिफोर, इसके बाद ठीक, तो ये जो बनाया इसके बाद ये आ गया। चलिए इसमें हम आते हैं और यहाँ पे आक और इसमें भी राइट क्लिक करते हैं, क्या करते हैं राइट क्लिक एड शेप, और एड शेप के बाद क्या है यहाँ भी एड से बिलो, बिलो करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो ब्रांचेज वगैरह सब बनाना हो तो बना सकते, जैसे ये हो गया और ये, तो इसमें भी देना है तो एड से पे आएंगे और यहाँ पे एड से आफ्टर इसके बाद, इसके बाद ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप एड से कर सकते हैं, कलर करना हो तो यहाँ से आप कलर वगैरह कर सकते हैं। उसी प्रकार से फॉर्मेट ऑप्शन इसमें आ गया। अब इसमें जो हम लिखेंगे तो लिखेंगे ये फॉर्मेट, तो फॉर्मेट किस प्रकार से होगा ये सारा है फॉर्मेट, आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए ये डिजाइनिंग फॉर्मेट हो गया, ये कलर हो गया, तो उसके बाद आउटसाइड, ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद फिर से आते हैं इंसर्ट में, सेव ऑप्शन भी देख लिए इंसर्ट। अब आते हैं चैट ऑप्शन, क्या आते हैं चैट ऑप्शन। चैट ऑप्शन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसको पहले हम लोग क्रिएट किया जाता है, डिलीट कर लिए, और इसके बाद क्या है फिर चैट ऑप्शन। तो चैट ऑप्शन का उपयोग एक्सेल में, इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है क्योंकि एक्सेल में जब काम किया जाता है ना तो इम्प्लॉय का क्या रेशियो है, क्या सेल कर ले रहा है, सेलर जो है वो कितना सेल कर, वो सारे दिखाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चलिए इसके लिए पहले आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे ही। चलिए इसके बाद क्या है, इस पर क्लिक करते हैं, किसी पे भी कर दीजिए, चलिए हम ये कर दिए। तो देखिए ये एक्सेल आ गया खुल के, क्या हुआ एक्सेल ओपन होके आ गया। और नहीं तो आप इसी में करना चाहते हैं पहले से, अब एक्सेल ये आ गया ना, तो इसमें आप जैसे नाम हो गया तो यहाँ पे लिख दीजिए नेम, नेम उसके बाद इसमें क्या है सोनू, अमन, इसके बाद जय, ठीक, और इसके बाद इसमें और एक देना है तो दे दीजिए रूपा। इसके बाद यहाँ से जो है इसका हम ग्राफ हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 45, देखिए इसमें जो बगल में है जो चेंज होता रहेगा, चेंज हो रहा है, इसको इतना ज़्यादा नहीं कर देते हैं। तो इसका ग्राफ भी चेंज होता चला गया, अब इसको हम यहाँ से हम क्लोज भी करेंगे तो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ग्राफ को इसको दिखाने के लिए इसका जो है जो चैट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, और चैट ऑप्शन, तो इसके बाद चैट ऑप्शन का उपयोग हम लोग एक्सेल में सारे उसमें डिटेल से देखेंगे। और इसके बाद हो गया हाइपर लिंक, देखिए हाइपर लिंक का उपयोग क्यों किया जाता है, यहाँ पे क्लिक किए और क्लिक करने का हाइपर लिंक, इसके माध्यम से आए और किसी भी फोटो वगैरह को अगर देना हो तो यहाँ से हम जैसे डेस्कटॉप पे आ गए, डेस्कटॉप पे आने के बाद इसमें से किसी भी एक पिक्चर को ले लिए, तो इसके बाद ये पिक्चर जो है लिंक के रूप में आ गया, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, इतना है ना, इसको सीधे ऐश्वर्या राय है तो सीधे ऐश्वर्या राय भी लिख सकते हैं हम। और इसके बाद क्या है कंट्रोल के साथ इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो फोटो दिए हैं वो फोटो ओपन हो जाएगा। ठीक, तो ये लिंक इसमें जनरेट कर देता है, ये है जो लिंक जनरेट कर देता है, इसके माध्यम से हम ओपन कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और नहीं तो आपको YouTube का अगर देना है, YouTube का अगर कोई भी देना है तो YouTube का भी लिंक यहाँ पे आप दे सकते हैं। चलिए YouTube, और इसमें लिख देंगे YouTube हो गया, और YouTube में आने के बाद इसमें हम दे देते हैं कंप्यूटर वाला के नाम से। ठीक, और इसके बाद जो ये है तो इसमें क्या करना है, इसका जो लिंक है यहाँ से क्या किए कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए और ये फिर से आते लिंक पे, यहाँ पे क्लिक किए लिंक पे आए, और लिंक पे आने के बाद इसको क्या करना है यहाँ पे
हमको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। और इसके बाद देखिए ये अब इसमें डायरेक्ट क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, तो ये हाथ का निशान आ जाएगा और इसके बाद दो बार इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूट्यूब खुल के आएगा। ठीक, यूट्यूब खुल के तो आ गया, बट ब्राउजर है यहाँ से आप जो ओपन कर सकते हैं, तो ये ओपन हो गया और यहाँ से स्टार्ट भी हो गया। ठीक, तो हम इस प्रकार से इसका उपयोग लिंक का करते हैं। उसके बाद देखिए पहले हीटर फूटर के बारे में समझते हैं, हीटर और फूटर क्या है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फिर से एक लाइन ले लेते हैं, क्या लेते हैं लाइन इज इक्वल टू पैराग्राफ ले लेते हैं, रेंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यो जो ले लिए, और इसमें लेना होगा, इतना से नहीं काम चलेगा। तो फिर से ले लेते हैं इज इक्वल टू रेंड ओपन ब्रैकेट 5.5 क्लोज ब्रैकेट। अब ये हो गया जो इतना जो पेज है, ये जो इतना जो पेज लिए हैं, तो ये जो पेज है तो इस पे पेज नंबर भी देना होगा। और यहाँ आते हैं इंसर्ट में और आते हैं हीडर, हीडर में आएंगे तो ऊपर देखिए ऊपर जो डिजाइनिंग है, ऊपर में आप क्या देना चाहते हैं ये दे सकते हैं। ये सारा स्टाइलिस्ट भी है, यहाँ से अगर इसको आपको लेना है तो इसको ले लीजिए 2023 कंप्यूटर वाला। ठीक है, आ गया, तो ये तो हीडर में आ गया। हीडर में ये क्या है, जितना पेज होगा सारा का सारा पेज में आएगा, वो पहले का पेज नहीं है। तो यहाँ है ना जो फर्स्ट पेज डिफरेंट है, तो इस प्रकार से इसमें हम इसमें भी टिक लगा दिए, हटा दिए, और इसके बाद ये फर्स्ट डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंट देना है, इसमें दूसरा चीज़ लिखना है, तो यहाँ डिफरेंट कर सकते हैं। और इसमें देखिए फुटर, फुटर नीचे क्या, तो फुटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इंसर्ट में आते हैं ये फुटर। अब इसमें देखिए पेज नंबर, ठीक, पेज नंबर देना है तो यहाँ है जो हर जो है ना विभिन्न प्रकार के दिया हुआ है, तो हम ये नॉर्मल ये ले लेते हैं, सही है। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एसके सर, ठीक, और यहाँ से पेज नंबर ऑटोमेटिक आ गया। और देखिए यहाँ जो है ये पेज नंबर भी आ गया बाय एसके सर, पेज नंबर 1, 2, 3 यहाँ कंप्यूटर वाला के नाम से। इस प्रकार से आप बुक बना सकते हैं। ठीक, तो जब आप बुक बनाते हैं तो उसमें जो हीडर फुटर देते हैं तो प्रत्येक में नहीं लिखना है, क्या करना है एक ही बार इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब पेज नंबर, ठीक है, देखिए इसके बाद ये है जो ऑप्शन है जो पेज नंबर है, तो पेज नंबर पे आएंगे, इसमें पेज नंबर देना है, टॉप में देना है, इसमें बॉटम में देना है, पेज मर्जिंग, तो ये सब पेज नंबर का स्टाइल हो गया। लेकिन इसमें जो एक इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मेट पेज नंबर, ये हो गया, और इसमें 1, 2, ABCD जो देना है वो दे सकते हैं। और इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट, देखिए स्टार्ट बाय द वे, यदि आप नोट्स बनाए हैं या कोई भी टाइप की वो दूसरा पेज में, ठीक, और दूसरा पेज में चाह रहा है कि ये पेज है जो हमको 10 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे 10 दे देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए ये पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 10 से स्टार्ट होगा, बट इसमें तो टॉप या बटन ये पेज नंबर पहले इंक्लूड नहीं किए, तो फिर से आते हैं हम टॉप में ही कर देते हैं इंक्लूड। देखिए तो 10, उसके बाद क्या आ गया 11, तो इस प्रकार से हम पेज नंबर दे सकते हैं। तो आई होप ये जो है पेज नंबर समझ में आ गया। अब 3D टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट बॉक्स क्या है, जो आप किसी भी प्रकार के लेटर अगर इसमें टाइप कर रहे हैं, छोटा एक बॉक्स में टाइप करना चाहते हैं, तो ये बना बनाया या टेक्स्ट ये है, और इसमें ही आप अपने हिसाब से टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। ठीक, तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल जेड से इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं कंट्रोल जेड से। और इसके बाद क्या है, क्विक पार्ट्स, देखिए क्विक पार्ट्स क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उस पर कोई भी चीज़ अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिखने वाला एस्ट्रेक्स, ये इस प्रकार से लिखने वाला एक वर्ड आ जाता है, क्योंकि ये कोई खास नहीं है। चलिए इससे आगा ये वर्ड आर्ट्स, वर्ड आर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी प्रकार के पोस्टर भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बनाना चाहते हैं, या जो वर्ड किसी भी डिजाइनिंग वर्ड को लिखना चाहते हैं, तो यहाँ वर्ड आर्ट्स में इसमें तरह तरह के डिजाइनिंग दिया हुआ है। अब जो डिजाइनिंग, बाय द वे हम ये वाला डिजाइनिंग ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख दिया, इस पर हम क्या किए ओके कर दिए। यहाँ से वैसे इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। ये हो गया कंप्यूटर लिखा गया, और लिखाने के बाद यहाँ पे हम इधर उधर ले जाएंगे तो ये इतना आसानी से नहीं जाएगा। देखिए हम ला रहे हैं यहाँ और जा रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ आएंगे टेक्स्ट ब्रेपिंग में और करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट,
तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया। अब इसको जहां मर्जी वहां ले जाइए, यहां से बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, यहां से 3D आपको बनाना है तो 3D, वैसे हम इसका बात हम पहले कर चुके हैं, 3D बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो बना बनाया आता है 3D, यहां से भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन की ओर चलेंगे। अगला ऑप्शन है जो ड्रॉप कैप। देखिए ड्रॉप कैप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जैसे पेपर वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, लिखा हुआ रहता है और इसमें एक बड़ा रहता है, एक बड़ा अक्षर लिखा हुआ रहता है इस प्रकार से, तो आप बड़ा अक्षर जो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका साइज अपना हिसाब से भी और बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक। तो ड्रॉप कैप का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि आप किसी प्रकार के जो पेपर वगैरह में काम होता है, पहला अक्षर जो होता है बड़ा, उसके बाद सब छोटा होता है, तो वहीं पे इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए सिग्नेचर, सिग्नेचर लाइन क्या है, देखिए यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे कहाँ है सिग्नेचर, सिग्नेचर पे आने के बाद ओके, चलिए ओके हो गया। उसके बाद क्या है सजेशन सिंगल नंबर ज्वाइन, चलिए यहाँ हम दे दिए कंप्यूटर बाला। अब यहाँ पे है सजेशन सिग्नेचर टाइटल्स, यहाँ पे सिग्नेचर जिसका है उसको दे देंगे मैनेजर का, चलिए हम दे दिए। और इसके बाद क्या है इसमें ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं दे दीजिए, और इसके बाद क्या इसको ओके कर देना। तो देखिए सिग्नेचर वाला आ गया, यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा, तो सिग्नेचर टाइप को ये देना हो तो सिग्नेचर का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या है ये टाइम और डेट, हम काम किए आज आज का उसका टाइम और डेट देना है, तो यहाँ पे टाइम और डेट पे क्लिक कर देंगे, अभी जो करेंट टाइम रहेगा वही रहेगा, अगर करेंट टाइम आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में गलत है तो यहाँ पे गलत ही आएगा। उसके बाद इसको दे दीजिए। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट है इसमें से है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह सब में चला जाएगा, तो यहाँ अगर हम ले लेते हैं वर्क पिक्चर का, पिक्चर में कौन सा ले लेते हैं, ये पेंट, ये वाला ले लेते हैं पेंट वाला। इसमें पेंट में अगर किसी प्रकार के आपको ड्राइंग करना है तो आप ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग करने के बाद आप इसको नॉर्मली कट कर दीजिए और ड्राइंग कहाँ आ गया या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, किसी भी प्रकार के आप ड्राइंग करना चाहते तो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आ जाएगा, और इससे फोटोशॉप वगैरह में भी जितना है ये देख लीजिएगा चला जाएगा। और फिर से इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद देखिए ये इक्वेशन, यदि आप मैथ का क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं तो इक्वेशन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये विभिन्न प्रकार के पाई वगैरह ये फॉर्मूला सब दिया है, ये है साइन अल्फा प्लस माइनस साइन बीटा, तो इस प्रकार से सारा फॉर्मूला दिया है। इसके बाद ये ऊपर वाला पे क्लिक कीजिएगा तो और आ गया, ठीक। यदि फ्रैक्शन में देना है, स्क्वायर वगैरह देना है, रूट के अंदर देना है, तो ये सारा का सारा फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला किसी भी प्रकार की यदि आप नोट्स बनाते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला लिखना हो तो यहाँ पे इक्वेशन का उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हो गया सिंबल। देखिए ये सिंबल अगर देना हो, जैसे बुक का सिंबल है, ठीक, तो बुक का सिंबल देना है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद फिर आते हैं इसमें सिंबल या मोर सिंबल में आके टेलीफोन का देना है तो यहाँ से आप टेलीफोन का भी दे सकते हैं। इसको यदि आपको 12 करना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए शॉर्टकट में कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ग्रेटर देन, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से बड़ा हो जाएगा और लेस देन से छोटा हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ये, और सिंबल के बारे में तो समझ में आ गया होगा। के बाद हम लोग देखेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या है, देखिए आप जो टाइप करते हैं इसमें हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं और कुछ लाइन पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ लेने के बाद ये जो है तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के जो थीम है, तो ये थीम है जो डिजाइनिंग दिया हुआ है, आप डिजाइनिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो डिजाइन चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और फॉन्ट हो फॉन्ट सब चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मर्जिंग, मर्जिंग क्या है, यहाँ से जो आप काम किए हैं, ये जो काम किए हैं तो इसको किस प्रकार से देना चाहते हैं, इसको जो किस प्रकार से, देखिए इसको किया तो इधर से इस साइड से भी ज़्यादा छूट गया और इस साइड से फिर से आ गया। देखिए इसमें लिखा हुआ है जो टॉप से कितना छोड़ना है, बटन से कितना छोड़ना है, इसमें देखिए इसमें इतना इतना छूट गया, तो ये जो पेज लिए है पेज के साइड में कितना छोड़ना है, तो ये यहाँ से इसका उपयोग कर सकते हैं मार्जिन से। अब देखिए ओरिएंटेशन में, अगर किसी भी जो पेपर लिए हुए है तो पेपर लिए हुए अगर चौड़ा में लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो यहाँ से लैंडस्केप कर दीजिए। देखिए इसको थोड़ा हम जूम
कम कर दिए, और उसके बाद यहाँ से अगर पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो लंबा हो जाएगा, लैंडस्केप में चौड़ा। हाँ, इसका साइज कौन सा लेना चाहते हैं, अगर आप नॉर्मली जो जीरोक्स करने वाला मशीन रहता है जो A4 साइज उसको कहते हैं, जिसपे आधार कार्ड वगैरह जीरोक्स होता है, तो अगर उस पर अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो A4 साइज लीजिए, बाकी अपना पेज के हिसाब से देख लीजिए। अब यहाँ पे है जो कॉलम, तो हम ये इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद इसमें हम इसको सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद ये कॉलम है, अगर दो पार्ट में बांटना है तो यहाँ से दो पार्ट में बांटा जाएगा, तीन पार्ट में बांटना है तो तीन पार्ट में बांटा जाएगा, और किसी भी प्रकार से बांटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम वन पार्ट में रहने देते हैं। और यहाँ से ब्रेक, देखिए ब्रेक्स का ना हम लोग पहले ही उपयोग कर चुके हैं। लाइन, ये जो काम की कितना लाइन में है, तो ये लाइन काउंटिंग, देखिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जितना लाइन में है ये लाइन दे देगा। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया। देखने चलते हैं वाटरमार्क, देखिए वाटरमार्क क्या होता है, तो ये हो गया वाटरमार्क। यहाँ पे आएंगे कस्टम वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क के बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, पहले टेक्स्ट, उससे पहले हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर वाटरमार्क, देखिए पिक्चर वाटरमार्क पे आए, और आने के बाद यहाँ से जो आपको पिक्चर लेना है यहाँ से आप पिक्चर ले लीजिए, जैसे जैसे यहाँ से ये ले लिए, चलिए पिक्चर ले लिए, और यहाँ से हम अप्लाई कर दिए। देखिए अप्लाई करने के बाद ये नीचे है जो कंप्यूटर वाला है, जो उसका क्या है, ये लोगो आ गया, तो ये यही वाटरमार्क हो गया। फिर से हम इसको आते हैं यहाँ से, और कस्टम वाटरमार्क पिक्चर है ही, इसको इस पे टिक लगा के और फिर से अप्लाई, देखिए ये ज़्यादा, वैसे आप प्रिंट निकाल, अगर नॉर्मल अगर PDF में है तो ये सही है, अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकालते वक्त आपको ये टिक है जो लगा देना होगा, नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा भद्दा देखने में लगने लगेगा, तो इसीलिए ये ऐसा होना चाहिए। और इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट पे आइए, और टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, तो जो लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। तो ये तो स्मॉल में हो गया, चलिए हम कैपिटल में लिख देते हैं, और इसके बाद हम ओके कर देंगे। चलिए ओके कर दिए, ये है जो हो गया। और इसमें नहीं, आपको अगर कलर भी करना है वाटरमार्क का तो यहाँ से आप कलर भी कर सकते हैं, अगर दूसरा फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है तो दूसरा फ़ॉन्ट दे सकते हैं, और हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल, देखिए ये है जो हॉरिजेंटल होता है, ठीक, और ये है जो वर्टिकल, ये है जो डायगोनल है, ये डायगोनल तिरछा, तो ये हॉरिजेंटल देना चाहते तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, डायगोनल बोले तो तिरछा हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग पेज कलर, अगर काम किए हुए इसको पेज को कलर के रूप में निकालना चाहते हैं तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, पेज कलर, जो कलर है, देखिए ये नॉर्मल आपका जो PDF रहेगा PDF में ही कलर बन जाएगा, ये हो गया। और इसके बाद ये पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर का उपयोग क्यों किया जाता है, देखिए तो ये पेज बॉर्डर लगाने के बाद बहुत ही, जो नोट्स बनाइएगा या किसी प्रकार का लेटर टाइप कीजिएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। देखिए ये एक बॉर्डर के अंदर आ गया, और इस प्रकार से इसमें और आप लगा सकते हैं, इसमें जो आपको लगाना है, ये अगर आपको नहीं लेना है तो यहाँ आर्ट्स, आर्ट्स में आके भी इसमें से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और है इसमें इतना ही नहीं है, क्या है और है। तो इसके लिए फिर से आते हैं यहाँ पे, और आने के बाद देखिए इसमें कितना है, इसको ले लीजिए, नहीं पसंद है तो, अरे एक नहीं पसंद है दूसरा देखिए, दूसरा नहीं है तो तीसरा देखिए, लेकिन देखिए जरूर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको आप यहाँ जो किए लेफ्ट इंडेंट, देखिए लेफ्ट इंडेंट में लेफ्ट आएगा, राइट इंडेंट में राइट आएगा, लेफ्ट, तो इसका हम लोग तो पहले भी देख चुके हैं, पोजिशन वगैरह ये सारा टूल का काम हम लोग पहले देख चुके हैं। ये रोटेट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो किसी भी प्रकार के आप पिक्चर लीजिएगा तो उसको घुमाने के लिए ये रोटेट ऑप्शन का उपयोग करिए कीजिएगा, यहाँ से जो रोटेट है इसका उपयोग। चलिए पेज लेआउट का ऑप्शन सब समझ में आ गया, अब चलते हैं अगला है जो रिफरेंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेलिंग टैब। देखिए मेलिंग टैब होता क्या है, जब आप एक साथ एक से ज्यादा आदमी को अगर लेटर आप भेजना चाहते हैं, या लेटर हो कोई भी हो, लोन का लेटर हो या कोई भी लेटर हो, जब एक से ज़्यादा आदमी को भेजना चाहते हैं एक साथ, उसको जो निकालना चाहते हैं प्रिंट के रूप में, और उसको डाक पोस्ट या स्पीड पोस्ट उसको करना चाहते हैं, तो हम लोग मेलिंग एड्रेस का उपयोग करेंगे। चलिए तो इसके लिए हम कुछ लेटर लिख लेते हैं। देखो ऐसे लेटर दो टाइप का होता है, एक होता है ब्लॉग स्टाइल, एक होता है एंडिंग स्टाइल। तो हम लोग ब्लॉग स्टाइल देखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम, बोले तो कहाँ का है, जो एड्रेस लिख देंगे फ्रॉम कंप्यूटर बाला, और उसके बाद पुपड़ी सीतामढ़ी, ये हो गया।
फिर नीचे टैब इंटर बटन दाब के नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद दो बार इंटर दे देते हैं, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या हो गया जो लिख देंगे, चलिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में लिख देंगे लोन प्रोसेस, सब्जेक्ट में क्या हो गया लोन प्रोसेस। चलिए तो ये लोन प्रोसेस सब्जेक्ट में इसको टैब मार के थोड़ा आगे कर दिए, और इसके बाद फिर से क्या करना है, इससे पहले कि यहाँ से टू टू दे देंगे, जहाँ पे भेजना हो टू दे देंगे, और उसके बाद फिर से क्या करेंगे, एक दो दो बार इंटर दाब दिए, और इसके बाद इसके बीच की दूरी ज़्यादा है तो क्या करते, होम टैब पर आने के बाद यहाँ से है लाइन स्पेसिंग से इसको कितना कर दिए, जीरो कर देते हैं, चलिए इसको हम जीरो कर दिए, इसके लाइन स्पेसिंग कम हो गया, सब्जेक्ट में लोन प्रोसेस, फिर इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद आप लिखेंगे कि डियर सर या मैडम, डियर सर या मैडम, उसके बाद उसका जो लेटर है हम लेटर टाइप कर देंगे, तो चलिए लेटर टाइप कर देंगे, तो हम इसके लिए कुछ लाइन ले लेते हैं, आप अपना लेटर देख लीजिएगा, ये लेटर हो गया। अब लेटर में देख लीजिए जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे पैराग्राफ होना चाहिए तो वहाँ से पैराग्राफ आप दे दीजिए, और इसके बाद फिर से यहाँ भी एक पैराग्राफ दे देते हैं, इंटर मार के यहाँ भी दे देते हैं, और कुछ नीचे का है ये है, इसको थोड़ा हल्का डिलीट कर देते, चलिए इंटर मार दीजिए, और उसके बाद क्या लिंक देंगे, थैंक्स, एक बार और इंटर मार के, और थैंक्स, थैंक यू, और उसके बाद योर फैथफुली, इंटर। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट साइड में लाना होगा, तो राइट साइड में लाने के इसको पकड़ेंगे और पकड़ के यहाँ से खींच देंगे, तो ये तो हुआ जो मेरा एक लेटर लिखा गया। लेकिन इसमें करना क्या है, यहाँ पे हम जहाँ पे भेजेंगे, और पहले तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड करना है तो इटैली करना है तो इटैली कर लीजिए, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन, सेंटर करना है सेंटर कर लीजिए, इसको भी सेंटर कर लीजिए, और ये जो भेजना है यहाँ पे टू जिसको भेजना है उस सभी का नाम यहाँ पे देना है, तो सबका अलग अलग होगा, तो जैसे 10 आदमी 20 आदमी का हो तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, मेलिंग पे, तो इसके बाद जाएंगे सिलेक्ट रिसेप्शंस में, इस पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे टाइप न्यू लिस्ट, तो ये न्यू लिस्ट ये आ गया, लेकिन इसमें हमको कस्टमाइज अपने हिसाब से करना है, तो अपने हिसाब से करना है तो इसके लिए आएंगे कस्टमाइज में, पहला है जो इसमें नाम होना चाहिए तो इसको हम रीनेम करके दे देते हैं, नेम दे देते हैं, और नेम देने के बाद इसमें से और हम क्या करते हैं, डिलीट, अल्ट डी से भी डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप है जो इसको बारी बारी करके और को डिलीट कर लीजिए, और डिलीट करने के बाद इसमें करना क्या है, ये सब है डिलीट कर दिए, और इसको भी एडिट करना है, तो देखिए वैसे मूव ऊपर नीचे भी यहाँ से मूव कर सकते हैं, इसका रीनेम करके हम एड्रेस दे दिए एड्रेस, और इसके बाद फिर इसमें सिटी हो गया, स्टेट हो गया, जिप हो गया, होम, फोन, फ़ोन नंबर देना है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, जैसे इतना ही ले लिए, और इसमें क्या करना है, नेम, नेम में दे दिए सोनू, फिर इसमें एड्रेस, एड्रेस में दे दिए पुपरी, और सिटी, सिटी में दे दिए सीतामढ़ी, ठीक, स्टेट में दे दिए बिहार, और जीप इसमें लिख दिए 84 33 20। तो इस प्रकार से हम डाटा ले लिए 4 डाटा, और इसको क्या करना है, हम ओके कर देना है, चलिए ओके करने के बाद इसको हम डेस्कटॉप पे इसको सेव भी कर लेते हैं, यहाँ से आकर हम डेस्कटॉप पे इसको हम सेव कर लेते हैं फाइल के नाम से, और इसके बाद ये सेव हो गया, और सेव होने का देखिए ये तो आ गया, अब इसको हम देखना चाहते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो प्रीव्यू करने के लिए कहाँ आएंगे, इसके बाद देखिए ये जो है यहाँ से देख सकते हैं, एड्रेस हो गया, नाम हो गया, सिटी वगैरह सब आ गया, अब इसमें हमको टाइप करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्सर करके इंटर मार दिए नीचे, और इसमें
जो ये है तो इसको देखना चाहते तो ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद पहले कौन देना है, नाम देना है, तो चलिए नाम दे दिए, इंसर्ट कर दिए। उसके बाद फिर इसके बाद अगर कॉमा देना है तो दे दीजिए कॉमा, और नहीं देना है तो फिर इंटर मार दीजिए, और फिर से आएंगे और यहाँ पे जैसे एड्रेस देना है तो एड्रेस दे दीजिए और इंटर मार दीजिए, फिर इसके बाद कॉमा देना है तो कॉमा दे दीजिए, फिर से आइए और इसके बाद सिटी देना है तो सिटी पे इंटर मार दीजिए, क्लोज कर दीजिए, फिर कॉमा दे दीजिए, उसके बाद फिर स्टेट, स्टेट में है तो स्टेट देना है तो दे दीजिए, और उसके बाद फिर से जाके कैंसिल मार दीजिए, और फिर कॉमा देकर इंटर देकर उसके बाद नीचे आपको अगर पिन कोड जिप कोड देना है तो यहाँ से दे दीजिए इंसर्ट। ये हो गया। अब ये तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट हो गया। अब इसको देना है किस प्रकार से, तो अब आएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू में आएंगे। तो प्रीव्यू में देखिए सोनू कुमार पुपली सीतामढ़ी बिहार, ये हो गया। फिर सेकेंड का प्रीव्यू करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड लिख देंगे, ठीक। थर्ड के करना है तो ये सेकेंड हो गया, फिर प्रीव्यू, प्रीव्यू यहाँ से प्रवीण कुमार आ गया, ठीक। इस प्रकार से हम प्रीव्यू करके सभी को देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू तो हो गया, अब इसको फाइनल करना है, फिनिश, जैसे सभी पेज में आना, तो यहाँ पे आ जाएंगे फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे, तो फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद यह है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक कर देखिए ऑल। वैसे आप कहाँ से कहाँ तक करना चाहते हैं, जैसे तीन आदमी को हम रखे हैं, इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा, तो उसका जहाँ से जहाँ तक रखना चाहते हैं, अगर सभी को करना चाहते तो ऑल पे क्लिक कर दीजिए। आज की पहला यह है सोनू कुमार, दूसरा यह है प्रवीण कुमार, उसका एड्रेस हो गया, और तीसरा ये है संदीप कुमार। तो इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है। किसी प्रकार के आप लेटर अगर किसी भी संस्था के माध्यम से अगर लेटर भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद आप यदि आपके पास एक्सेल का भी डॉक्यूमेंट है उसमें भी कर सकते हैं। चलिए उसको कैसे करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए आते हैं एक्सेल, पहले ओपन कर लेते हैं विंडोज आर एक्सेल, एक्सेल है, ओपन कर लिए। इसके बाद ही हम डाटा ले लिए, डाटा लेने के बाद उसको हम सेव कर लिए, और सेव करने के बाद फिर से आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद देखिए ये है जो इसको है ना, क्या करना है, इसको हटा देते, इसको हम डिलीट कर दिए, और डिलीट करने के बाद फिर से आएंगे यहाँ पे है जो सिलेक्टेड रिसेप्शंस, यहाँ पे आएंगे यूज एग्जिस्टनल लिस्ट, ये लिस्ट पे आएंगे और डॉक्यूमेंट पे आकर इस पे जो डॉक्यूमेंट हम बनाया, चलिए बुक वन के नाम से है, इसको हम क्लिक कर दिए, और क्लिक करा कौन सा सीट लीजिएगा, हाँ फर्स्ट सीट लेंगे, चलिए फर्स्ट सीट हो गया। और इसके बाद फिर आना है मर्जिंग पे है, इस पे आ जाना है, और इंसर्ट मर्जिंग फील्ड पे, और आने का देखिए दो ही चीज़ इसमें हम लिए, एक नाम लिए एक एड्रेस लिए, तो नाम हो गया, और नाम होने के बाद फिर एड्रेस है तो एड्रेस हो जाएगा, ये हो गया। और इस प्रकार से अगर दूसरा का देखना चाहते हैं तो इसमें तो हम इंटर करके नीचे ना आना चाहते हैं, तो हम फिर से इसको बैक कर लेते हैं, फिर से आते हैं इसमें, और इसमें है जो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, नेम हो गया तो नेम, ठीक। और इसके बाद फिर से आके हम इसको इंटर करके नीचे आ गए, और फिर इसमें क्या है एड्रेस, तो एड्रेस, तो ये तो पहला वाला हो गया। फिर दूसरा हमको देखना है तो यहाँ से हम दूसरा देख सकते, ये हो गया गुड़िया कुमारी के नाम से, और ये हो गया जो रोशनी कुमारी के नाम से। तो इस प्रकार से हम एक से ज़्यादा हम यदि एक्सेल में भी हो फॉर्मेट लिखा हुआ या यहाँ भी टाइप करके हम भेज सकते हैं, और यहाँ से फिनिश मर्ज अब करके एक साथ में फिनिश मर्ज जो कर दीजिएगा तो एक साथ में ये दो लेटर है जो बन जाएगा, फिनिश मर्ज ऑल हो गया तो ऑल हो गया, और देखिए दोनों लेटर है जो बन गया। इस प्रकार से किसी भी लेटर को आप बना सकते हैं। तो आई होप ये जो समझ में आ गया होगा मेलिंग्स में, तो मेलिंग्स टैक्स टैब है जो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं रिव्यू की ओर। देखिए रिव्यू क्या है, तो पहले इसके लिए हम इसको हम डिलीट कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं पैराग्राफ ले लेते हैं, आर ए एन डी रैंड। पैराग्राफ लेने के बाद इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर से इसको हम सही करेंगे, तो ये तो पैराग्राफ हो गया। देखिए इसके बाद जैसे हम लिखते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखे तो कंप्यूटर लिखे तो क्या ये गलती है, तो गलती है तो वही स्पेलिंग एंड ग्रामर है जो हमको बताता है कि ये गलती आपका जो लिखा हुआ है इसको आप सही कीजिए। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का यही काम है कि ये जो देखिए जो स्पेलिंग में मिस्टेक रहेगा
उसके नीचे रेड हो जाएगा, ग्रामर से जो मिस्टेक रहेगा उसके नीचे ब्लू टिक हो जाएगा। और कैपिटल यदि आप लिखते हैं, जैसे इसी को देखिए, हम कैपिटल में लिखते हैं COMPTR, ठीक, तो रेड हुआ, रेड नहीं हुआ, तो कैपिटल में लिखते हैं तो आपका ग्रामेटिकल वो नहीं बताएगा, अगर स्मॉल में लिखते हैं तो आपका वो ग्रामेटिकल है जो बता देगा। और अब देखिए, जैसे कंप्यूटर लिखे थे, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, स्पेलिंग में आए तो ये जो कह रहा है, पहले कह रहा है जो इससे सिमिलर जो वर्ड है, जैसे जो कंप्यूटर, इससे वर्ड आ रहा है कंप्यूटर, उसका कंपेयर, उसका कंपेक्ट, इसमें से कौन है, अगर जो है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो इसके बाद के इग्नोर करना चाहते हैं तो यहाँ से इग्नोर कीजिए, इग्नोर ऑल में जितना रहेगा सभी हो जाएगा इग्नोर, यहाँ इग्नोर। वैसे ये नीचे है रेड, तो आप प्रिंट कीजिएगा तो ये रेड नीचे वाला है जो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से आप इग्नोर भी करके इसको हटा सकते हैं। हाँ, चेंज करना चाहते ये तो आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा। हाँ, तो कंप्यूटर का ये आ गया, जब सही हो गया तो ये हट गया। तो इसका उपयोग ग्रामेटिकल चेक करने के। उसके बाद क्या है, थेसोर्स, थेसोर्स का उपयोग क्यों किया जाता है, तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर पे क्लिक किया और यहाँ पे हम इस पर क्लिक किए, तो देखिए कंप्यूटर से जो सिमिलर रहेगा वही अभी है, तो सिमिलर रहेगा तो उससे सिमिलर वाला आ जाएगा। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है, प्रोसेसर है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ये सारा मेन फ्रेम हो गया, पीसी हो गया, ये सारा हो गया। अब देखिए हम स्विच लिखते हैं SWEET स्विच, तब स्विच जो लिख दिए इसको स्मॉल में लिखना होगा, SWEET स्विच। अब ये जो लिख दिए तो इसको सिलेक्ट किए, अब इस पर हम फिर जो सर्च कर रहे हैं, तो ये जो सर्च किए हैं, नहीं तो इस पर क्लिक कर दिए। अब देखिए स्वीट से रिलेटेड क्या है, तो शुगर हो गया, उसके बाद सुरुपिया हो गया, तो ये सब मीठा सामान, सब बटर हो गया, तो ये सब मीठा सामान हो गया, तो जो आपको दिखाई दे देगा। तो ये भी एक अच्छा है, किसी भी जो वर्ड है, वर्ड से संबंधित आप किसी भी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, उससे संबंधित रिलेटेड में किसी भी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से आप ढूंढ सकते। उसका ट्रांसलेट देखिए, ट्रांसलेट क्या है, ट्रांसलेट इसको हम क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद है जो इसका ट्रांसलेट, RAND। अब इसका जो ट्रांसलेट करना है, तो ये तो हो गया, अब इसका ट्रांसलेट करना है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लिए, उसका ट्रांसलेट पे क्या चीज़ में करना है ट्रांसलेट, तो हिंदी में करना है, तो आप हिंदी में कर लीजिए। नीचे देखिए इसका ये हिंदी है जो आ गया, सम्मिलित करे टैब पर गैलरी, एकदम शुद्ध हिंदी आ गया ना। और इसको और लंबा करके देखना चाहते हो तो यहाँ से लंबा करके भी देख सकते हैं। अब देखिए इसका पूरा है जो एकदम शुद्ध हिंदी आ गया, ये सम्मिलित करे टैब पर गैलरी में वे आइटम शामिल होते हैं जो आपके दस्तावेज, तो ये सारा का सारा इसका हिंदी, अगर कोई भी इंग्लिश में लिखा हुआ है टाइप उसको हिंदी करना चाहते तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब वर्ड काउंट देखिए, ये हो गया, और इसमें वर्ड काउंट करना हो तो यहाँ कै गो वर्ड है तो ये देख देगा, पेज जैसे एक पेज हो गया, वर्ड हो गया 124, करेक्टर हो गया 600, करेक्टर विथ स्पेस, बीच में स्पेस सब जो दिए है सभी मिला के कितना हो गया जो 722, उसके बाद पैराग्राफ, दो ही पैराग्राफ है, उसके बाद कितना है लाइंस कितना है तो 15 लाइंस है, तो ये सारा हो गया, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये तो वही हो गया ट्रांसलेटर का है। अब इसके बाद कमेंट, कमेंट हम लोग जो इससे पहले भी देख चुके थे इंसर्ट टैब में कि किसी भी चीज़ पे आपको कमेंट करना है तो यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। तो ये कमेंट हो गया, इसको प्रीव्यू, डिलीट, ये सारा काम करने के लिए कर सकते हैं, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं ट्रैक चेंज। देखिए ट्रैक चेंज क्या है, ये भी बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है, जैसे किसी भी आप सीनियर किसी भी जूनियर के दिए काम करने के लिए, तो काम करने के लिए जो दिए तो गलती कर दिया, तो गलती कर दिया बगल में आप सही भी कर दिए, लेकिन उसको क्या है आप दिखाना चाहते कि यहाँ पे गलती है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रैक चेंज का उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ लॉक, ठीक, तो ट्रैक चेंज पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसको हम डिलीट करते हैं, डिलीट बटन से डिलीट। अब लॉक के जगह पे हम किल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे की, तो जिसको डिलीट कीजिएगा वो स्टिक थ्रू बीच से कट जाएगा और जो लिखिएगा वो अंडरलाइनिंग हो जाएगा। फिर इसमें अगर कुछ भी चीज़ अगर हो गया, यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको हटा के डायरेक्ट यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक, डायरेक्ट ये हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको जो दे सकते हैं, आप देखिए यहाँ से जो काम किए इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, ये जो था यहाँ पे लिखा हुआ वो हट गया, और ये भी है तो यहाँ से हम ऑल, ऑल के एक ही बेर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल कर देंगे,
जो जितना रहेगा सारा का सारा एक ही बार में। हाँ, उसको अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो जब काम किए कंट्रोल जेड, इसको अगर कंट्रोल जेड इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं, तो ये हट जाएगा। हाँ, और इसको अब उसके बाद सेव करना चाहते हैं तो नेक्स्ट करके उसका सेव भी करके दे सकते हैं। अब देखिए कंपेयर क्या है, कंपेयर का उपयोग किया जाता है जब दो, जैसे कि ये हो गया, इसको हम एक सेव कर लेते हैं, आते हैं और डेस्कटॉप पे इसका नाम दे दिए A1, और इसके बाद इसी का कॉपी कर लिए कंट्रोल ए से, सी से कॉपी, और कंट्रोल एन से न्यू पेज, और इसमें पेस्ट कर दिए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए, और यहाँ पे हम कुछ वर्ड लिख दिए 2023, यहाँ पे लिख दिए 20, और यहाँ पे लिख लिए 2 2। और इसके बाद क्या करना है, इसको भी सेव कर देते हैं A1, तो इसका नाम दे देते हैं डेस्कटॉप पे ही A2 के नाम से। चलिए हम डेस्कटॉप पे आ गए और यहाँ से दे दिए A2, इसको भी क्या किए सेव कर दिए। तो ये तो सेव हो गया, अब हमको कंपेयर करना है। तो आते हैं यहाँ पे मेलिंग रिव्यू पे, और रिव्यू पे आने के बाद कंपेयर पे जाएंगे, और कंपेयर पे जाने के बाद यहाँ पहला कौन सा डॉक्यूमेंट है A1, तो इसको ले लिए, और दूसरा किससे कंपेयर करना है A2 से, तो यहाँ पे कंपेयर। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जो कौन कौन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे इसका डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया, ये, तो ये सब जो डिफरेंस है इसको दिखाने के लिए यहाँ पे किया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, इससे अगला है देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या है, तो जैसे आप 3 इडियट तो देखे हुए, अगर उसमें अगर जो लेटर लिखा हुआ था तो उसमें अगर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट किया हुआ रहता तो चमत्कार के कुछ और नहीं बनाया हुआ रहता। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप लिखे हुए हैं, अगर चाह रहे कि कोई आदमी इसको देखे भी नहीं या कोई देखे तो इसमें एडिट नहीं करे, तो हम लोग उस जगह पे किसका उपयोग करेंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आएंगे यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट, यहाँ पे है जो रेस्ट्रिक्ट, यह है रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग, इस पे आ जाएंगे, और आने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है अलाउ अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये आ गया। और इसमें क्या देना चाहते हैं, तो हम नॉर्मल सी कोड देते हैं 1 2 3, फिर इसमें देते हैं 1 2 3, तो ये तो 2 दे दिया, उसके बाद क्या कर देना है ओके कर देना है। तो एक तो लॉक हो गया कि इसको आप जो कोई एडिट नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें एक और है, तो एडिट तो नहीं हो रहा तो स्टॉप प्रोटेक्ट, तो हाँ कौन सा लॉक डाले हैं जो डालिएगा, अगर हम दूसरा डाल के करेंगे तो क्या कहेगा रॉन्ग प्रोडक्ट, जो पासवर्ड कहेगा इनकरेक्ट, तो हम जो पासवर्ड है वही डालकर 1 2 3 और उसका एंटर की, अब इसमें चेंजिंग हो रहा है। फिर इसमें जो प्रोटेक्ट है उसको लगा वही है, तो वो तो है ही, तो इसको प्रोटेक्ट ये हो चुका है, लेकिन इसको आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कैसे करेंगे ताकि वहाँ भी प्रोटेक्ट रहे, तो इसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे सेव ऑप्शन पे, चलिए हम सेव एज कर लेते हैं, और सेव एज करने के बाद इसमें डॉक्यूमेंट क्या नाम से दीजिएगा WW के नाम से, चलिए हम दे देते हैं डेस्कटॉप पे ही, और इसमें नीचे आपको यहाँ टूल्स है, टूल्स पे क्लिक कीजिएगा और जनरल ऑप्शन पे कीजिएगा, अब इसमें क्या देना है तो 1 2 3, चलिए ये हम पासवर्ड जो ये है जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसका पासवर्ड भी दे दिया, तो देने के बाद इसमें फिर से कह रहा है तो वही डाल दिए 1 2 3, अब ये तो हो गया, अब इसको हम कैंसिल कर दिए, इसको भी हम काट देते हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं इसको हम क्लोज कर दिए, इसको जितना है डॉक्यूमेंट सभी को हम क्लोज कर दिए, एक और बचा हुआ है इसको भी क्लोज कर दिए। अब क्लोज करने के बाद कौन सा है डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, और क्लिक करने के बाद इसके है जो इसे देख रहा है जो ओपन हो रहा है कि नहीं, और देखिए ये पासवर्ड मांग रहा है तो इसमें पासवर्ड देंगे 1 2 3 तब जाके ये ओपन होगा, अब इसको चेंज करना है तो चेंज भी नहीं होगा, तो स्टॉप प्रोटेक्ट में जाके और 1 2 3 फिर से इसका पासवर्ड देंगे तो उसके बाद अब क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रिव्यू ऑप्शन का उपयोग करके सारा ऑप्शन देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यू ऑप्शन, तो देखिए व्यू ऑप्शन क्या है, तो ये हो गया, अगर यहाँ फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन आ गया, यहाँ से
क्लोज कर लेते हैं। तो हमेशा जो टाइप करते हैं तो पेज लेआउट पे ही करके टाइप करना है। आप इस पे किसी भी वर्ड को ले लेते हैं। वर्ड लेने के बाद इसमें अगर हम फुल स्क्रीन कर दिए तो ये आ गया, और इसमें ही वेब लेआउट, जैसे नेट पे अगर जाएगा तो ये किस प्रकार से दिखाएगा, तो नेट पे गूगल पे जाएगा तो इस प्रकार से ये दिखाएगा, तो ये यहाँ से दे रहा है। हम अगर पेज लेआउट करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। उसके बाद क्या, आउटलाइन, आउटलाइन में ये लाइन का बाहरी किस हिसाब से दिखाएगा, ये आउटलाइन के रूप में, ये हो गया। फिर यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। फिर से आते हैं व्यू ऑप्शन पे, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के रूप में देना है तो कैसे आएगा, तो ये सारा है जो यहाँ व्यू में आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रूलर्स, रूलर्स क्या है, पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पेज लेआउट पे आ गए, क्लोज। इसके बाद क्या है, ये रूलर्स, ये जो है जो रूलर्स, ये ऊपर का जो ये है स्केल है, तो स्केल अगर आपका खो गया है तो यहाँ से रूलर से ला सकते हैं। उसके बाद क्या है, ग्रिड लाइन, देखिए ग्रिड लाइन, ये ग्रिड लाइन नीचे ये आ जाता है। कंट्रोल से हम सिलेक्ट करके इसको हटा दिए। अब इसमें बाय द वे अगर आपको फिगर लेना है, किसी भी फिगर को शेप को लेना है, और यहाँ से इसको ले लेना है, और एक और हम ले लेते हैं शेप, और शेप लेने के बाद इसमें है जो इसी लाइन में देना है, लेकिन थोड़ा अगर नीचे अगर हो जाएगा तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक है, देखिए ये नीचे वाला, तब ये हल्का नीचे किए तो ये नीचे वाला में आएगा, ठीक, मैग्नेटिक है तो ये अपने हिसाब से अगर ऊपर किए तो ऊपर वाला में, तो ये लाइन से ही लाने के लिए हम लोग ग्रिड लाइन का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगर इसको हटाना है ग्रिड लाइन को, तो यहाँ व्यू में आकर इसको हम हटा देंगे। रूलर्स को लाना है, ला दीजिए। डॉक्यूमेंट मैप में देखिए, ये डॉक्यूमेंट मैप ये बगल का है जो आ जाएगा, इसको हटा सकते हैं। उसके बाद थंबनेल्स में नीचे जितना पेज लेंगे उतना पेज आता जाएगा, और इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद आ गया, इसको यहाँ से क्लोज कर लेंगे। यहाँ आ गया जो जूम इन, यहाँ पे कितना जूम इन करना है आपको, तो जूम इन करके या जूम आउट करके इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जूम हो गए, वही यहाँ पे वो भी सेटिंग यहीं पे है, वही सेटिंग यहाँ से भी है। और इसके बाद क्या आएगा, कितना भी जूम इन कर दीजिए, और जूम इन करने के बाद अगर 100% ये है ये, तो 100% पे ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए टू पेज, पेज हम कंट्रोल इंटर से एक और पेज ले लिए, और वन पेज में एक ही पेज रहेगा, टू पेज लेंगे तो ये एक बार में दो पेज आएगा। उसके बाद पेज विड्थ, जैसे जितना चौड़ाई है चौड़ाई के हिसाब से पेज लेना है, तो विंडोज के हिसाब से ये पेज आ जाएगा। उसके बाद ये काम किए नया विंडोज लेना चाहते हैं तो एक नया विंडोज फिर से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दो विंडोज आ गया है, फिर एक और विंडोज लेना है तो इसी प्रकार से यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ये तो स्प्रेड, ये सब का तो काम नहीं है। और इसके बाद ये रिकॉर्ड माइक्रो है, जो माइक्रो है इसका एक वीडियो हम अलग से बनाए हुए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा कैसे, जैसे हम ये टाइपिंग कर रहे हैं इंग्लिश आ रहा है, कंट्रोल वन प्रेस कर देंगे और हिंदी आ जाएगा, फिर कंट्रोल टू प्रेस करेंगे इंग्लिश आ जाएगा, तो किस प्रकार से किया जाता है, 2 मिनट का वीडियो है, जाकर वहाँ से आप देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इस पर ऑफिस बटन पे, नया पेज लेना हो तो न्यू ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ओपन, पहले से कोई काम किए उसको फिर से ओपन करना चाहते हैं तो ओपन का उपयोग करेंगे। उसके बाद जो काम किए उसको सेव करेंगे तो सेव ऑप्शन का, सेव एज क्या होगा, फिर से एक नया लोकेशन आपके पास आ जाएगा तो सेव एज कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंट, देखिए प्रिंट ऑप्शन में आइएगा, प्रिंट कीजिएगा, और प्रिंट करने के बाद यहाँ से आप PDF भी, माइक्रोसॉफ्ट का ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट है ना, ये PDF है, यहाँ से आप PDF करके PDF में भी इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से आइएगा, यहाँ से जितना कॉपी है कॉपी ले लीजिएगा, पेज कहाँ से कहाँ तक करना है, अगर ऑल करना है तो छोड़ दीजिए, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप है जो इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, सेंड वगैरह ये सब तो नहीं, उसके बाद क्लोज। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो वीडियो देखे है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और इसमें एक ऑप्शन है वर्ड ऑप्शन, वर्ड ऑप्शन का एक अलग से एक वीडियो आएगा, जिसमें वर्ड ऑप्शन में बहुत ही इमेजिंग किस प्रकार से ये फाइल वगैरह को रिवन टैब सबको कस्टमाइज किया जाता है, वो सारा काम इसके अंदर हम वर्ड ऑप्शन में देखेंगे। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो ये भी होने वाला है, तो इसका वीडियो एक अलग से आएगा। और सेकेंड वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।